क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? अरे पार्वती माता जी के बेटे सीनू को किसी ने जान से मार दिया है। अरे ये सीनू भी कम था क्या? सुबह से लेके शाम तक सबको परेशान करता था। अरे तो क्या हुआ, सीनू ने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया था, ये तो हमेशा मौज मस्ती करता था। अरे अभी तक इसके अंदर जान है, सीनू जिंदा है। अरे मैं मरा नहीं रे, क्यों बेवकूफ लोग, कैसे हो तुम सब? मैं मरूंगा तो एक भी कमीना नहीं आएगा, बोला था ना। लेकिन अभी कितने सारे आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक आदमी पर 10 रुपए की शर्त लगाई थी, लाओ पैसे निकालो जल्दी से। तूने अपनी शर्त के लिए हमें बेवकूफ बनाया, तू नहीं सुधरेगा। तुम लोग तो हो ही बेवकूफ रे, महीने में जितना कमाते हो मैं एक घंटे में कमा लेता हूँ। सीनू जिंदगी क्या है तू नहीं जानता? अरे बच्चों की तरह हरकतें क्यों करता है तू? अगर तू कल सच में मर गया ना, तो ना कोई तुझे कंधा देगा ना तेरे लिए रोएगा। अरे मेरी बात समझ, देख इस तरह की नौटंकी कभी तेरे लिए भारी पड़ जाएगी। तो अच्छी बात है ना, ये रोने धोने से होता क्या? अरे जल्दी जल्दी पैसा निकालो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जल्दी करो जा रहा है। 10, 111 पूरे 112 लोग हुए, ये लोग 1120 रुपए। तूने अपनी भी गिनती कर ली ना? मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तूने मुझसे भी शर्त लगाई थी ना, इसलिए तू सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसलिए तेरा ये पैसा भी मेरा हुआ। ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वही देख रहा हूँ कि ये कैसे बना रहा है। हाँ हाँ, जब से धंधा शुरू किया है तब से बस देख ही रहे हो। हाँ देख रहा हूँ। बस देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मैं करूँगा तो फिर ये बेचारा क्या करेगा? हाँ। कर लो। हाँ? अरे रामू तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल इसकी बातों पर मत जाया करो। तुम्हारा तो काम ही है लोगों को परेशान करना, खुद तो काम करते नहीं दूसरों को परेशान करते हो। चलो जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अरे रामलू ऐसे ही फ्रेंडशिप में बोल दिया, तुम इसे दिल पे मत लेना यार, अब जाओ ना। जरा जोर से पकड़ना, मेरी जान बहुत नाजुक है। इतनी उम्र हो गई है कि साइकिल पे चढ़ना भी नहीं आता। अरे चढ़ने नहीं आता है तो क्या हुआ, उतरना तो आता है ना। चलो चलो अच्छा अच्छा जाओ, अच्छा बस आराम से संभाल कर जाना। हां आराम से, हरी हरी सब्जी ले लो, लेमन जूस ले लो, खट्टा ले लो, मीठा ले लो। राम बाबू रुको, राम बाबू रुको, स्पेशल ले लो। क्या रे, 1 रुपए का दे दो ना। राम बाबू का स्पेशल, राम बाबू मिठाई दो ना। पैसे कहाँ है रे? कल दूंगा ना। क्या कल देगा, मैं उधारी नहीं देता हूँ। पैसे नहीं है तो घर जाकर कुछ लेकर आओ। ठीक है यही रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा भला, ये टीवी या रेडियो लेकर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। ए, हाथ हिलाते हुए आ गया, कुछ नहीं मिला क्या? ये देखो। अरे बाप रे, मंगल सूत्र। अरे नहीं नहीं, आंखों की रोशनी चली जाएगी। पिताजी को जब दारू चाहिए होता है तो वो इसी को गिरवी रखते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है? जाती। तू तो बहुत मान दिखता है, इस समय तू मंगल सूत्र बेच रहा है, बड़ा होगा तो बीवी के सारे गहने बेच देगा। अरे बात बंद करो और मिठाई दो। ये ले जा, जा जा खुश रहो। मैं हूँ टेलर मास्टर। ए फर्जी मास्टर, क्या बस सुबह सुबह ऐसे चिल्ला रहा है? तूने ऐसी सिलाई क्यों की? फुल के लिए कहा था हाफ सिल दी। तूने जो कपड़े दिया था ना उससे सिर्फ हाफ शर्ट ही बनती बेटा। कपड़ा चोरी किया ये क्यों नहीं बोलता है? क्या बात कर रहा है तू, चुराने उराने का काम मैं नहीं करता। बाबा, बाबा, मुझे चोर समझता है क्या तू? इसका बटन लगा दे ना बाबा। अरे पापा इसका बटन लगा दे ना बाबा। भागना, जैसे इंसानों का हम शक्ल होता है ना कपड़ों का भी होता है, और ये वही हम शक्ल था। अरे सुबह सुबह इतना बड़ा झूठ बोलते हो, दोबारा कभी तुझे कपड़ा सीने दिया तो मुझे मेरी बीवी की चप्पल से मारना। तुम्हारी बीवी चप्पल पहन दिया, आओ। अब ऐसे क्यों ठुक रहा है? पापा पापा चड्डी छोटी हो गई है, देखो। तो मेरी पहन पहले, मैं तेरी चड्डी पहन लेता हूँ। कल भाई यहाँ से चोर बना दिया मुझे। अरे बस कर बे बस कर, गांव वालों के कपड़े चुराने की वजह से आज तेरा सबके सामने पर्दाफाश हुआ है। गांव वालों को बेवकूफ बनाकर तू पैसे बना रहा ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है डॉक्टर। अबे तुझमें और मुझमें बहुत फर्क है, तू ठहरा एक टेलर और मैं हूँ एक डॉक्टर। अच्छा याद है ना तुझे, तू पहले तंबाकू की कंपनी में काम करता था। मैं तंबाकू की कंपनी में नहीं, दारू की दुकान में काम करता था। वही ठीक था तेरे लिए। अच्छा अगर तेरी बात सुनता रहा ना तो मुझे किसी पागल के डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। वो देख तेरे लिए एक बकरा आ रहा है। अरे आजा आजा, कहां आ रहा है डॉक्टर? इधर है, इधर है। पेशेंट भी अंधा, डॉक्टर भी अंधा। साहब आप यहां बैठे हैं क्या? रात में पेट में बहुत दर्द हो रहा था जी, हाथ पैर दोनों ही दुख रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, गर्दन दर्द कर रही है, कान भी दर्द कर रहा है, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, धड़कन भी बहुत तेज धड़क रही है। सुई मुझे क्यों लगाई, बीमारी तो मेरी बीवी को है। अब वो लगाने से पहले बता देना चाहिए था। ए राजू भाई, 3 स्पेशल चाय बना। अच्छा ठीक है, 3 स्पेशल चाय।
रोज अपने बाप की दुकान समझकर फ्री में चाय पीने आ जाते हैं। आज पैसा नहीं मांगा ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। दोस्तों से मांगना ठीक नहीं लगता। दोस्ती के बारे में इतना सोचोगे ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। जाओ अच्छा ठीक है। तुम पैसे तुम्हारे। अरे क्या कर रहा है जल्दी आ रहा हूं। अरे सुनो राम बाबू, मेरे चिट फंड का पैसा कब दे रहे हो? तू मजाक क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो किससे पूछूं? अरे पैसों का मामला मेरी बीवी संभालती है, जा उससे जाकर पूछ। ए वीर राजू, मेरा बिल कितना हुआ? 70 रुपए। खाते में लिख लो। अच्छा ठीक है। अरे नहीं लिखूंगा, पहले पैसे निकालो। ए हाथ क्या यार, अपना राजू पहली बार पैसे के लिए गुस्सा रहा। रात को इसकी बीवी ने हुड़की दे दी होगी। अरे नहीं नहीं, अरे इसका पैसा चुकाने के लिए तुझे एक आइडिया दूं। क्या आइडिया है? गांव में किसी का मनोडर आया है क्या? हाँ आया है। हाँ तो वो देखे हिसाब चुकता कर दो। अरे अब सोच क्या रहा है, जो बोला वो सही है, दे दे उसका उधार चुक जाएगा। ये लो 100 रुपए, ये लो 30 रुपए और तुम लोग 30 रुपए। क्या बात है यार, आइडिया दिया तो 30 रुपए दिए। आइडिया के लिए नहीं, वो मनी ऑर्डर तेरा ही है। सबके सब एक साथ कहाँ जा रहे हो? तेरे लिए ही आए हैं। तूने सब गांव वालों को बेवकूफ बनाया ना, तेरी तारीफ करने आए। इसकी बातों पर विश्वास मत कर यार, पिछली बार तूने जो बाजी जीती थी ना, पार्टी दे दे उसकी। पार्टी करने के लिए तो हम वैसी हरकत करके ये पैसा जीतते हैं। बोलो क्या क्या चाहिए? बोतल, बिरयानी, नाच, लड़की। अब ऐसा ठीक है, लड़की के लिए तो ये पैसा कम पड़ेगा। उधर देख, मोटर पंप। अब तो हो जाएगा ना। सही बोला। मालिक आप तो बहुत धनवान हैं, पूरे गांव में आपका ही डंका बजता है, ऊपर से आप मुर्गी को बादाम खिला रहे हैं। आपकी तो बात ही अलग है मालिक, ये तो आप ही कर सकते हैं। अरे रुको, इसे मुझे दो। आज खाना क्या बनाऊं? मसाला डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर दे। जी मालिक। ये क्या मालिक, अभी तो आप उसे इतने प्यार से बादाम खिला रहे थे, फिर आप उसे काटने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे बादाम मैंने उसे उसकी सेहत के लिए नहीं खिलाया। किस लिए? उसे फ्राई करके जब मैं खाऊंगा तो बादाम की ताकत मुझे मिल जाएगी, इसलिए। सरपंच जी। क्या हुआ? सुब्बू को लेकर आए हैं। क्यों रहे, क्या बोल रहा है तू? वो और कुछ बक रहा है? मालिक बहुत बकबक कर रहा है। ए, चलो जरा उसे भी बादाम खिलाते। आजा। क्यों रहे, गांव भर में मेरे बारे में क्या बक रहा है? आपने जो किया वो अन्याय देखकर मैं चुप नहीं रह सकता, इसीलिए सबको बताकर आपके अन्याय को रोकना चाहता हूँ। मेरे किए हुए अन्याय रोकेगा? तू पुलिस वाला है या कोई लॉयर है? हाँ? जा जाकर नारियल तोड़कर अपने एहसान चुकता कर। ये तो डर रहा है, रस्सी बांधकर इसे चढ़ा दे। नहीं मालिक, नहीं मालिक, अभी अगर तू नहीं चढ़ा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। नारियल के पेड़ पे तो ये बहुत अच्छी तरह चढ़ रहा है। जो नहीं चाहता था वही करवा रहा है। हे जी मालिक, गड्ढा तैयार है ना? तैयार है मालिक। इसे उस गड्ढे में गाड़ कर ऊपर नारियल का पेड़ लगा दे, हाइब्रिड वाला, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है मालिक। माँ 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 माँ, मुझे आशीर्वाद दो। माँ क्या आशीर्वाद दूँ तुझे, मैं जानती हूँ मेरा बेटा आवारा गर्दी करने जा रहा है, तो यही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि घर लौटाए, शर्म नहीं आती इसे। माँ इतना डांट रही हो, इसके बदले 100 रुपए का एक नोट दे दो तो शर्म नहीं आएगी। मैं बस बस, मुझसे बात मत कर, चल निकल यहाँ से। तुमने इतने प्यार से बात की है तो चला ही जाऊंगा। ए सीनू। ए मामा, तुम दोगे क्या? मानी, तूने मोटर चुरा कर बेच दी? मैंने 6,000 बोला था, उसे नहीं जमा तो मैंने 5,000 में दे दिया। शर्म नहीं आती तुझे? मामा जी, माँ कहती मुझे शर्म नहीं आती, आप भी कहते मुझे शर्म नहीं आती, इतनी बार आप सब कहते हो आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती, हम दोनों को शर्म नहीं आती। देखा आपने बेटे को, पहले तो इसने मोटर चुराई और फिर उसे 5,000 में बेच दिया, क्या होगा इसका? ए सरोजा। क्या हुआ पापा? अलमारी से 5,000 ले आओ। हाँ। ए सरोजा, 5,000। क्या? सिर्फ 5,000 लाना। ओ क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो 5,500 ले आती तो मैंने कहा सिर्फ 5,000 लाना। वो ज्यादा क्यों लेकर आएगी? लीजिए पापा। हेलो, पहले बात तो सुन लो, बैलगाड़ी लेकर जाओ और मोटर लेकर आओ। अब क्या हुआ? इस बार अगर तूने मोटर बेची ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बार बार मोटर कौन बेचेगा, इस बार खेत ही बेच दूंगा। एक काट दिया। अरे खून निकाल दिया। अरे कटा है तो खून तो निकलेगा ना। ससुराल जाने के लिए दाढ़ी बनवा रहा था लेकिन तूने गाल काट दिया, मेरी शक्ल ही बिगाड़ दी। अरे ऐसा कौन सा हीरो दिखता है तू, थोड़ा सा ही कटा है। अरे मुझे जरा सरपंच के बगीचे के पास छोड़ देगा? ठीक है चलो, लगता है कल रात को सरपंच अच्छी खासे मुलाकात हो गई। हाँ खुलसट कहीं का। गांव के सभी लोगों का पसीना मैं निकालता हूँ और तू मेरा पसीना निकाल रही है।
इसीलिए तो लोग कहते हैं मर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो औरत के सामने झुकने में ही उसकी भलाई है। मेरी गाड़ी क्यों चढ़ रहे हो? हम लोग स्कूल के पास उतर जाएंगे सीनू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में सीनू। और मैं चौथी में। अरे ये क्या तुम पढ़ाई करते रहते हो? खेलना चाहिए तुम लोगों को। कंचे खेलना आते हैं? हाँ हाँ, गुल्ली डंडा खेलना भी आता है। तो फिर पढ़ते किस लिए हो? जाओ और जाकर खेल में लग जाओ। तो फिर पढ़ाई? अरे पढ़ाई क्या, पढ़ाई करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बड़े होने के बाद कंचे और गुल्ली डंडे खेलने को नहीं मिलेगा। अरे अभी मन कर रहा तो उतरो जाओ खेलो। ये कौन है? क्या रे गुंडू, तुझे नहीं खेलना है क्या? मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। तुझे कितनी भी अकल दो तू नहीं सुधरने वाला। चलो उतरो गुंडू साहब, अच्छी पढ़ाई करो, डॉक्टर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करो, जाओ। अब ये कौन है? ओ ये ब्रांडी शॉप से घंटी कौन बजा रहा है? मैं। मामा जी तुम, क्या बात है, घंटी कहाँ पर बांधी है? घंटी कहीं भी बंधे कहीं भी बजे ये पॉइंट नहीं है, बच्चों को सुनाई दी कि नहीं ये पॉइंट है। अरे उन लोगों की बात छोड़ो, ये घंटी यहाँ पर क्यों बांधी है? अरे सीनू, घंटी वहाँ बजानी पड़ती है, पीने के लिए यहाँ आना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही मैंने घंटी यहाँ बांधी है। ठीक है, ये दारू रोज क्यों पीते हो मामा जी? मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती है, इसी दुख में पीता हूँ। बेटी साथ में रहेगी तो दारू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी तब भी उस खुशी में पीऊंगा। बेटी के नाम से याद आया, मेरी बेटी स्कूल में टीचर बनकर आ रही है। पता चला मैं राजू जा रहा, कुछ चाहिए क्या आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीता आज गाँव में आ रही है, तुम जाकर उसे फौरन ले आओ। दामाद आर्या LOV लव 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 लव। दामाद क्या कह रहा था? ए आर्या, हम प्यार कर रहे हैं। हाँ मतलब प्यार दे रहे हैं, मतलब सामने है तो उसे प्यार दिया है। ओह हमारे लिए कौन है प्यार देने वाला, लगता है चला गया वो। हाँ ये क्या देख रहा हूँ, चल प्यारे मुन्ना भाई चल। कॉटन साड़ी हाथ में छाता, मतलब टीचर है। चलो चलते हैं सीता। ए, कौन हो तुम? ये क्या सीता, बचपन में तो तुम तीरी जैसी थी, अब तो पूरी माचिस बन गई हो। ये क्या बोल रहे हो? अरे मैं हूँ सीता, सीनू, याद है हम बचपन में साथ खेलते थे? मैं सीता नहीं हूँ, मेरा नाम शालिनी है। ओहो उस नाम को पुराना समझकर नाम भी बदल दिया। अरे तुम्हारे पिता सूर्य वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। वो कौन है? मेरे पिताजी का नाम राजा राम है। तो अपना नाम बदला तो बदला, बाप का भी नाम बदल दिया, कैसी हो तुम। ठीक है चलो, कोई इंतजार कर रहा है। चोर चोर चोर, कहाँ 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 कहाँ। तुम बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदले हो सीनू। तुम? मैं हूँ। तुम जो बाहर कंचे खेलते थे, स्कूल आने के लिए जिद करती थी, सीता हो सीनू। ये क्या सीता, बचपन में तो तुम्हारी नाक हमेशा बहती रहती थी और अब तुम इतनी सुंदर हो गई हो, मस्त लग रही हो, शहर जाकर खूबसूरत हो गई हो, तुम वाकई बहुत सुंदर हो, एक बार जरा हंसो तो। सीनू तुम्हारी हंसी भी खूबसूरत है, तुम भी खूबसूरत हो। ओहो अब चले यहाँ से। अच्छा ये बताओ मैं आ रही हूँ ये तुम्हें किसने बताया? सुबह स्कूल के पास तुम्हारे पिताजी ने बताया था, जरा आराम से चढ़ना। हाँ अरे बापरे क्या साड़ी पहनकर चढ़ना भूल गई हो, साइड हो जाओ, अब कंधे पर पैर रखो। अरे नहीं नहीं मैं चढ़ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, नहीं पैर रखो, इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा वजन तुम्हारी साड़ी से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। सीनू सीनू। ओ तेरी, सपना, दिन में सपना आ गया था, चलो। तब से अब तक गांव में कुछ भी नहीं बदला है। गांव तो नहीं बदलता है सीता, लेकिन तुम बहुत खूबसूरती में बदल गई हो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ सिर्फ मेरे बारे में बातें कर रहे हो, कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ तक पढ़े हो तुम? गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। पर गांव में तो पांचवी क्लास तक ही है ना? हाँ, तो मैं भी वहीं तक पढ़ा हूँ। सीता सीता तुम जो हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है, एक बार हंसो। बस भी करो सीनू, हमारे गांव के रोड अब भी वैसे के वैसे ही हैं। अरे तुमने बोल दिया है तो दो दिन में ये रोड ठीक कर दूंगा, मेरी बात चलती है। अरे सीनू बेटा जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ बुढ़िया? मुझे बैलगाड़ी में चढ़ने दे। आ जाओ, ये सूर्यराम की बेटी सीता है। सीनू बहुत खूबसूरत है। आ जाओ जल्दी बैठ जाओ। आइए हाथ दीजिए, संभाल कर कसके पकड़ना। हाँ बेटा बैठ। कमाल की बुढ़िया है, क्या बोल रहा है। ये शहर में रहेगी तो ये भी खूबसूरत हो जाएगी।
थैंक्स सिनू, घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा तो तुझे वो दारू पीकर घंटी बजाने वाली सूर्यराम की बेटी इतनी पसंद आ गई है? बिना पसंद आए कोई इतना प्यार करता है क्या बे? अरे उसका प्यार उसकी मर्जी, तुम दोनों बीच में आने वाले? अरे क्या बात कर रहे हो, हम सबने मिलकर इसकी शादी करवाई थी। अब देखो तो ये कितना सुखी जीवन जी रहा है। ये तो सुखी है लेकिन इसकी बीवी नहीं। अरे तू चुप रह, लड़की के भाग जाने के कारण इसकी शादी नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने उस लड़की को पकड़कर इसकी शादी करवाई। बाद में बुरा लग रहा होगा। मतलब ये है कि तुम लोग सीता को देखना चाहते हो, है ना? हेलो पिताजी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल। एग्जाम खत्म हो गई है। तू कब आ रहा है यहाँ? मैं सोमवार को आ रहा हूँ। आ जा, रखता हूँ अभी फोन। ठीक है पिताजी, मैं फोन रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, तुम यहाँ वापस आ गई हो। जिस स्कूल से तुमने पढ़ाई पूरी की उसी स्कूल में टीचर बनकर आई हो। देखो बेटी, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। जी ठीक है। ठीक है बेटी। कैसी लगी तुम्हें वो लड़की, है ना यार? साबुन में धोई हुई सोने की मूर्ति जैसी दिख रही है। आधी के कपड़े जैसी, बिल्कुल संस्कार। अरे ये सब तो ठीक है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे स्कूल टीचर से ज्यादा सरपंच का पद बड़ा होता है। हाँ, सही कहा। अच्छा सीता में वो सारे गुण है ना कि मैं उससे प्यार करने लग जाऊँ? उसमें जो गुण है ना वो तेरे में नहीं है। राम बाबू देखो ना कितनी घटिया बात कर रही है। अरे इसकी बात दिल पर मत ले यार, वो लड़की पक्का तुझे प्यार करने वाली है, मगर एक छोटी सी कंडीशन है। वो लड़की तुमसे प्यार करे उसके लिए जरूरी है कि वो किसी और लड़के से प्यार न करती हो, ये नंबर वन है। तुमसे प्यार करने के बाद उसे किसी और से प्यार नहीं होना चाहिए, ये नंबर टू है। अबे तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी आती है? चुप कर। अगर तू उस लड़की की चाहत को फॉलो करेगा ना, तेरा लव ओके। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ कि उसकी चाहत क्या है। रोक भाई, उसकी चाहत क्या है उस लड़की से नहीं, उसके बाप से पूछते हैं। आ रहा है, आ रहा है। ब्रेक लगा। टिंग 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 टिंग। अरे यार पानी तो मिला। अबे पानी मिला था तो नशा नहीं चढ़ता। दारू दाता सुखी भवा, मुझे ये पिला के अच्छा किया। पिता सुखी भवा, ये पीने से पहले पूछना ठीक रहेगा कि तुमने मुझे ये दारू क्यों पिलाई? तुम्हें तो दारू बहुत पसंद है ना मामा। अरे मान गया यार, मान गया। सेरो तुम कितने अच्छे हो, मेरी बेटी मुझे समझती नहीं है, मुझे पीने के लिए मना करती है, लेकिन तुमने मुझे पिलाई। मतलब सीता को दारू पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या क्या पसंद है बोलो। फूलों में गुलाब, स्वीट में जलेबी, रंग में काला, तू मेरा हाथ दबाना बनकर, स्वाद में खट्टा, मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग जॉगिंग, और उसके पिता को यानी मुझे सुबह में सफेद और दोपहर में नारंगी, रात को काला, थ्री टाइम्स फुल पीना पसंद है मुझे। क्या बात है। एक बात बताओ, ऐसे पहले कभी नहीं पूछा, आज इतना क्यों पूछ रहे हो मेरी बेटी के बारे में? अरे शादी की उम्र हो गई है ना, तो कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दे। अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। देखो तुमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा होगा ना, लेकिन ऐसा लड़का मिले तो सीता तो शादी के लिए सोचेगी। मैं अपनी बेटी के बारे में अच्छे से जानता हूँ, अगर वो आग है तो ये राख है। क्या कहा? अब मेरा मतलब वो कॉलेज में पढ़ी लिखी है तो उसे किसी से प्यार व्यार है? उसने किसी से भी प्यार नहीं किया है। नंबर वन कैंसल, नंबर टू भी कैंसल। ये क्या गिरा? अब तो ये शाम तक नहीं उठेगा। दोपहर का कोटा भी पूरा हो गया ना। लड़की के बारे में सारी जानकारी ली है ना, तो अब अगला मामला क्या है? अरे अब क्या मामला है, सीधे सीता को जाकर आई लव यू बोल दो। मेरा आई लव यू बोलना तो ठीक है, लेकिन अगर उसको मुझे आई लव यू बोलना है तो उसे कोई ऐसी निशानी देनी पड़ेगी जो उसे याद रहे। अरे तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी साइकिल लेकर जाओ और उसे ठोक दो, ये तो याद रह जाएगा। अगर उसे चोट नहीं लगी तो उसे फिर से ठोक दो, फिर हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दो और उसके पास जाकर बैठ जाओ। जरूरत पड़े तो जूस दो, और नहीं तो फिर ब्लड दे दो। ब्लड में ब्लड मिला तो प्यार हो जाएगा और 10 बच्चे भी हो जाएंगे। अरे सीनू निशाना चूकना नहीं चाहिए, हो जा शुरू, चल मेरे गुरु। सीता, सीनु, राम बाबू, साइकिल, चैन टूट गई, पतली हो गई हालत, तारे, क्या कह रहे हो, जमीन, स्कूल, घंटी घंटी, जाओ। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। अयो बाप रे, राम बाबू जहाँ नहीं लगनी थी वहां लग गई रे जी।
अरे मारे गए गुलफाम अजी, हाँ मारे गए। बीच सड़क पर ये क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने सब कुछ देख लिया है भैया। अच्छा सब कुछ देख लिया क्या? क्या बात है, प्यार करते हो उसे? हाँ। किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार ऐसे साइकिल पर बैठकर करते हैं क्या? तो फिर उस लड़की को क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये जानने की कोशिश करो। ओहो। I love you, सीता। इतने दिनों से दिल में छुपाई हुई बात आज मैं तुम्हें बताने आ रहा हूँ। पहले सब लोग शांत हो जाओ, आज हम अक्षरों के बारे में सीखेंगे, उन्हें कैसे लिखते हैं और उनका मतलब क्या होता है ये बताऊंगी। आ आ से आम, आ आ से अजी, हाँ। आ आँखें, आ से आकर्षण, ए ई इमली, ई से इमली मीठी है, ई ईख, ई से ई हमार बीवी, ऊ ऊन, ऊ उम्मा उम्मा उम्मा। तो यहाँ क्या कर रहा है? अब वो राम बाबू की तबीयत खराब हो गई है, वो डॉक्टर को दिखाने शहर गए, तो मैं उनकी ये मिठाई बेच रहा हूँ। समाज सेवा कर रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर का काम संभाल ले, तो तू मुझे बेवकूफ बनाकर उसका काम कर रहा है। जा घर जा। घर इधर है। इसने पता नहीं क्यों जन्म लिया। सरोजा सरोजा। क्या बात है भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं सीधा जाकर सीता को आई लव यू बोलने वाला था। तुमने कहा था ना कि उसके स्कूल जाओ, उसे लाइन मारो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो और उसे अपने सर पर बिठा लो। तुमने जैसा कहा था वैसा करने के लिए मैं पहुंच गया और उसे करेक्ट टाइम पे कहने वाला था कि तुम्हारे बाप ने बीच में आके टांग अड़ा दी, नहीं तो आज तो मैं उसे बोल ही देता आई लव यू। उतनी हिम्मत नहीं है भैया। अरे क्या बोल रही तू, मेरा नाम सीनू है, अगर यहाँ पर अभी सीता आ जाना है तो यही कहीं उसको आई लव यू बोल दूंगा। यहाँ आएगी तो बोल दोगे क्या? तो लो बोलो। अरे सीता यहाँ आने की परेशानी क्यों होगी? मेरा मतलब तुम्हें कोई काम है क्या मुझसे? यहाँ बैठो सरोजा, सीता के लिए दारू लेके आओ, मेरा मतलब पानी लेके आओ। आ जाओ बैठ जाओ, मैं धूल झाड़ देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, धूल थी। सीनू मुझे तुमसे कुछ काम था। अच्छा मुझसे कोई काम था तुम्हें? अगर तुम फ्री हो तो दो मिनट बाहर चलकर बात करें। अगर तुम फ्री हो तो। मैं तो फ्री 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 हूँ। सरोजा इन्हें बताओ ना मैं फ्री हूँ। फ्री है, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है। चलो सीता हम दोनों चलते, आ जाओ। अच्छा सीता ये तो बताओ कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? काफी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। हाँ। उनके घर जाकर इंक्वायरी करेंगे। तुम्हें इस गांव की सारी जानकारी है ना, इसलिए तुम्हें साथ ले जा रही हूँ। गई भैंस पानी में। सीनू चलो चलते, दिखाता हूँ तुम्हें किस गांव में मेरी क्या इज्जत है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। अरे तुझे नहीं बोला? हम दोनों को बोला था। आ जाओ सीता, इस घर में मेरी बहुत मान मर्यादा है, सारे काम ये लोग मुझसे पूछ के करते हैं। गंगा माता, ओ गंगा माता, जब बाहर आए तो देख लेना कितनी इज्जत मिलती है मुझे। क्यों सीनू, आजकल यहाँ आता नहीं नालायक? प्यार प्यार है इनका। ये लड़की कौन है? हमारे गांव के स्कूल में आई हुई नई टीचर। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना। बैठो सीता। क्यों गंगा माता, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो? माँ धो दो ना। सीनू जरा धो देना। क्या हो गया? ये बहुत प्यार करते ना, इसलिए करना पड़ेगा। तुझे भी अभी करना था। तो तुम अभी क्यों आए? तुम बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो? अरे बच्चों को बहुत समझाया, समझते ही नहीं, हमेशा खेल खेल चाहिए होता है। किसी भी तरह उसे समझा बुझा कर स्कूल भेजने की कोशिश करो, नहीं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सीता, अगर नहीं जाता तो चार चांटे लगाकर इसे स्कूल भेजो। अरे सीनू चांटा मुझे नहीं तुझे मारना चाहिए, मैं तो स्कूल जा ही रहा था, तूने ही कहा कि पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों सीनू, खुद तो बिगड़ा हुआ है, बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, नालायक कहीं का। सुन ये तेरे स्कूल की टीचर है, इनकी बात सुनो स्कूल जा, वरना तू भी सीनू की तरह बेकार हो जाएगा। अरे बाप रे कुछ गड़बड़ होने वाली, सीता तुम जल्दी आ जाना। है सुन, तुझे भी शर्म नहीं है और मुझे भी शर्म नहीं है। अरे बाप रे। अरे ऐसा क्यों किया? अरे बाप रे फिर से गड़बड़ हो गई। सीनू चलो यहाँ से चलते हैं। इस गली से नहीं, मैं उस गली से होकर आता हूँ। इस गली में भी एक लड़का रहता है, उसे मैं समझा कर लेकर आता हूँ। मुझे आखिर जानना है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। इस गली में मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों नहीं जा सकते? अरे इस गली में दारू की दुकान है। तो क्या हुआ सीनू? दारू से मुझे सख्त नफरत है। दारू पीना गलत है, उस गली में जाने में क्या हर्ज है, चलो मेरे साथ। अरे जल्दी दो भाई मुझे काम पे जाना है। इनकी आदत है मजाक की, आप इनकी बात पे ध्यान मत देना। अरे मेरे उधारी के पैसे कब देगा तू? अरे तेरे साथ कोई भी हो मेरे उधारी के पैसे कब देगा तू? अरे यार देखो तुम अपने दोस्तों को, मुझे नहीं पता किसके लिए लेके गया था, दो फूल और एक हाफ का पैसा है, जल्दी दे मुझे अभी के अभी। अरे दो फूल तो ये हाफ कहाँ से आ गया? अरे उस दिन बिना सोडा मिलाए घटाघट पी गया था, उसके पैसे कौन देगा, तेरा बाप? हाँ बे मेरा बाप देगा, ऊपर है जाकर ले ले, जाकर मारे दो फूल और एक हाफ का पैसा। सीता टीचर ये तो हमारे गांव में मामूली सी बात है। तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, मुझे तो अब तुम्हारे साथ जाने में भी शर्म आ रही है।
बच्चों को स्कूल ना जाने देना, बाजार में हंगामा करना, इन सब बातों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है पता है तुम्हें? हमारे स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं है और टीवी भी नहीं है। अरे टीवी नहीं है बहुत अच्छी बात है, सीरियल बहुत ही बेकार आते हैं, उन सीरियल्स को देखकर छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे सीनू, एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाने के लिए बोलने से अच्छा अगर उन्हें दिखाया जाए तो ज्यादा याद रहेगा। अब वो सब छोड़ो, स्कूल के लिए टीवी चाहिए ना। जब से तूने कहा है कि पंकज के घर जा रहा है तब से मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये बात तेरी बीबी को पता चल गई ना तो तेरी जान समझो गई। सही कहा, हम लोग उसके घर जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ सरपंच हुआ तो मैंने पहले ही पता कर लिया है, वो घर में नहीं है। सात लोग हैं, तुमने बताया था ना। देख सिनू बोल रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ तो पहले मैं ही जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा तू, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। चुप कर, चुप करो, हम उसके लिए नहीं आए हैं। पंकज के घर से टीवी चुराने आए हैं। क्या बोला, टीवी चुराने के लिए? हाँ यार, सीता को स्कूल के लिए टीवी चाहिए। देख यार, अगर तूने पहले बताया होता ना तो अंधेरे में मैं दूसरे गेटअप में आ जाता। इस अंधेरे में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, चलो जल्दी। चलता तो हूँ लेकिन जाएंगे कैसे अंदर? मैं कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, ये देखो चाबी। पर इतनी सारी चाबियां क्यों? अरे चल। दो मिनट में काम खत्म होना चाहिए। और अगर तीन मिनट हो गए तो? ओके, चीयर्स। पंकजा, मेरी जान, पंकजा। अरे बाप रे, ये क्या है? पंकजा का दिल धड़क रहा था इसलिए चेक कर रहा था। क्या देख रहा है भाई? नहीं नहीं नहीं, छुपा कैसे? औरत को देखते नियत टूट जाती है। सही है। अरे बाप रे, टीवी क्या गड्ढे में, इसको देख के लगता है मेरा मेजरमेंट टेप भी कम पड़ जाएगा। लगता है इसे नींद में चलने की आदत भी है। मैं इसके कपड़े फ्री में सिला करूंगा, ऐसी डिजाइन दूंगा कि मेरी शर्ट उतर जाएगी। लगता है बाथरूम जाना चाहती है, मैं हेल्प करता हूँ। इसे अंदर पानी की जरूरत पड़ेगी। कहाँ जा रहा है? मैं इसे पानी देने जा रहा था। अबे पड़ा या पानी देने लगा। क्या कर रहा है? मैं जाऊंगा, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर रहा है ये तुम अकर के दुश्मन? बहुत जोर की आई है। हो क्या, हो क्या? आज तक मैंने कभी स्वर्ग देखा तो नहीं है लेकिन ऐसा ही होता होगा ये लग रहा है मुझे। पंकजा के साथ सोने का मौका मिलेगा नहीं मुझे लेकिन उसके बिस्तर पे तो जरूर सो सकता हूँ मैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। पंकजा, मेरी पंकजा। चलो जल्दी यहाँ से। पंकजा आ गई, पंकजा आ गई, पंकजा, पंकजा आ गई, पंकजा आ गई। अरे सिनु सिनु, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई। एक बार और करना था, अभी भी लेना है। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? टीवी उधर है।
मुझे तो ऐसे ही तकिया को पकड़ कर सोना होगा, क्योंकि मैं उसे तो नहीं पकड़ पाऊंगा। ये है नंबर वन, अगर उसे पकड़ने गया तो वो मुझे पकड़ने नहीं देगी। ये है नंबर टू। आ गई आ गई, वो आ गई। मेरे रिश्तेदारों को बुला लो यहाँ, मेरा साथ ठीक से करना तुम लोग। पंकजा के नीचे क्यों सोया था तू? मैं पंकजा के नीचे नहीं सोया, वो आकर मेरे ऊपर सो गई थी। पहले तो बहुत हल्का हल्का लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बहुत बढ़ गया। तुम लोग आने में देरी कर देते, तब तो मेरी श्रद्धांजलि अकेली हो जाती। अच्छा होता तो मर जाता। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। ए सीनू, टीवी ले जाकर हम लोग डायरेक्ट सीता के हाथ में दे देते हैं। अभी दिया तो वो समझ जाएगी कि हमने चोरी की। वो तो हमने की ही है। हमें मालूम है, सीता को थोड़ी मालूम है। अभी नहीं पता है, लेकिन कल सरपंच देखेंगे तो पता चल जाएगा ना। अगर ऐसा है ना तो टीवी के ऊपर लिख देंगे, ये पंकजा का टीवी बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा बोला ना तो जबान काट के ऑपरेशन कर दूंगा। एक काम करेंगे। क्या करेंगे? हम टीवी को रंग देंगे। मैं रंगूंगा। कल मैंने जो घर का पाठ दिया था वो सबने पूरा कर लिया है। अरे सीनू पकड़, फिसल रहा। अरे टीवी नहीं टीवी नहीं, मेरी पैंट फिसल रही है। अबे कैसी चड्डी पहना बे, चड्डी में नाड़ा नहीं था क्या? अभी तो छोड़, उसे पहले से ऊपर। अबे मैं टेलर हूँ, टेंशन मत ले, एक मिनट में इसकी सिलाई कर दूंगा। यहाँ रोड पे बैठ के सिलाई करेगा तू अपनी टेप से बांध इसे? अच्छा आइडिया है टकलू, मेरा टेप तेरे लिए बेल्ट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीता मैडम झिक झक। क्या है सीनू? ले आओ ले आओ अंदर ले आओ। देखोगी तो पता चलेगा। पता चलेगा पंकजा के घर से चुराया हुआ है। ये क्या है सीनू? इसका ऐसा काला टीवी। सीनू राम बाबू, क्या काम पड़ गया क्या? तो अब एक कमीने टकलू, कोई स्क्रीन पे रंग लगाता है क्या? मैं क्या बात कर रहे हैं, काम नहीं आ रहा रंग। तुम लोगों ने तो कहा था सरपंच पहचानना भाई, इसने पूरा रंग दिया। अरे इसमें गलती क्या है? सरपंच बाहर था तो आप लोगों ने पकड़ जाए। तुम तुम्हें कमरों ठीक ले जाओ। बेवकूफी वाला आइडिया देते हो और बेवकूफी जैसा काम करवाते, सभी जैसा काम कर रहे हो। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है पता है। ठीक है, अरे इसे पूरा क्लीन हो जाएगा। अब मैं इसे धोने को लेकर तो पेट्रोल के बस कर रहा है। मैं तो सिर्फ सिगरेट चला रहा था। बोलो क्या बात है? गांव के बाहर हम लोग केमिकल फैक्ट्री डालना चाहते हैं, उसके लिए हमें गांव के सरपंच की परमिशन चाहिए। आस पास में बहुत गांव है, लेकिन हमारे गांव में ही क्यों बनाना चाहते हैं? बाकी गांव वालों ने हमें परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम केमिकल फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकती है। पॉल्यूशन से खेती खराब हो सकती है और फैक्ट्री के धुएं की वजह से गांव के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए परमिशन देने के लिए गांव के हर सरपंच इसके विरुद्ध हैं। एक पार्टी राजी होती है तो एक मना कर देती है, इसीलिए यहां तो आप ही मंत्री हो और आप ही राजा हो। ठीक है, पर मेरा क्या फायदा होगा? ये 25 लाख रुपए एडवांस ले लीजिए और इस फाइल पर साइन कर दीजिए। एडवांस तो ठीक है, मगर अभी मैं फाइल पर साइन नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल है, पंचायत इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन हो चुकी है। इलेक्शन के बाद मैं जरूर कर दूंगा, अभी आप शुरू कर दीजिए। तो इस बार आप ही हो ना सरपंच? अरे जैसे हमेशा दिन के बाद रात होती है, वैसे हर बार हमारे मालिक ही इलेक्शन में जीत जाते हैं, समझे? तो फिर हम लोग काम शुरू कर दो। पूरा मत मारिएगा, हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो करोड़ों खर्च होंगे, इसलिए भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझ में सब्र बहुत कम है, ज्यादा बात भी नहीं करता। आपका काम हो जाएगा, आप लोग जाइए। हाय सीता। हाय राजेश, तुम कब आए? मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया था। 2 दिन पहले आ गए थे और मुझसे अब मिलने आ रहे हो? गांव में आते ही तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आते ही पिताजी ने खेती के काम हाथ में सौंप दिए, इसीलिए लेट हो गया। ऐसा है या फिर मुझे भूल गए? कभी नहीं। बैठकर बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या हुआ यार, कब से देख रहा हो तू? कुछ खोया खोया सा दिख रहा है यार। हाँ इसका खो गया ना। क्या है? दिल दिल दिल। बारे इस तरह से मायूस होने की वजह वो सीता है? हाँ यार, सीता के मामले में कुछ भी करता हूँ तो उल्टे होता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। भाई सीता से प्यार करना तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? सीता को मुसीबत से बचाना होगा। बकवास आइडिया, सीता पे मुसीबत क्यों आएगी? मुसीबत बोलने से नहीं आएगी, हमें लानी पड़ेगी। सीता को किसी मुसीबत में डालकर अगर तुम उसे उस मुसीबत से बचाओगे तो वो तुमसे प्यार करने लगेगी, गारंटी है। ए राजू, एक चाय और एक ग्लास दूध दे दे। अरे ओ नरसिंह, चाय में तो दूध मिलाता ही है, फिर तुझे अलग से दूध क्यों चाहिए? दूध मेरे लिए नहीं, ये लो दूध। हैं
पियो, छूप पियो। ए सिनो, एक आइडिया। अच्छा सुन नरसिंह, सांप कहाँ मिलेगा? आपको क्यों सांप चाहिए? अरे कुछ नहीं यार, कल मंदिर में ड्रामा का प्रोग्राम है ना, उसमें मैं राम का पात्र कर रहा हूँ, तो राम के गले में सांप होना चाहिए ना। राम के गले में सांप? अरे अरे, अरे गलती हो गई। अरे वो तो शिव बोल रहा था, लेकिन मैं गलती से राम बोल गया। तो फिर ऐसे बोलो ना। अच्छा तो आपको कौन सा सांप चाहिए? नाग सांप, चीनी सांप, कोबरा सांप, जहरीला सांप, कौन सा चाहिए बोलो? वो सब नहीं चाहिए। एनाकोंडा है क्या? एनाकोंडा होता ना तो ये टोकरी में और वो बाहर बैठा होता। तुम लोग चुप करो यार, काला नाग चाहिए। दांत निकाला हुआ या दांत वाला चाहिए? गर्भवती सांप दे, उसकी डिलीवरी करके देता हूँ। बात करता है, अबे बिना दांत का सांप दे। तो ठीक है, कल रेडी करके रखता हूँ, घर पर आकर ले जाना। ए वीराजू, मेरा बिल कितना हुआ? 10 रुपए। सांप का एडवांस समझ कर रख लो, जाओ। तो चलता हूँ। अबे टकलू, ये प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा? कल तू भी देखेगा ना। ए यार, बच्चे लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, यही मौका है, छोड़ दो। सांप का मतलब नाग देवता, पहले इन्हें हाथ जोड़ो फिर छोड़ो। अबे टकलू, 1 लीटर दूध लेके अभिषेक करेंगे तब छोड़ेंगे। देखो भाई लोग, मैं इस चीज को लेकर बहुत भावुक हूँ। अगर सांप को तुम लोगों ने बिना हाथ जोड़े हुए छोड़ दिया ना, तो मैं जाकर सीता को बता दूंगा। ये बहुत परेशान करता, पहले इसे नीचे रख जरा। नीचे रखो। अरे ऐसे ही क्यों तुम लोग हाथ जोड़ रहे हो? कुछ गाना वाना तो गाओ। ए, गाना बंद कर, तेरा गाना सुनकर उसका मूड बन गया तो पूरा डीजे लगवाना पड़ेगा। बकवास बंद करो, सीता ने सुन लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दो एकन दो, दो एकन दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः। ठीक है चलो फिर से करते हैं। दो एकन दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः। भाई बिल्कुल सही टाइम है, तू एंट्री मार ले। चाचा जाता हूँ, तू जल्दी जा रहा। चाचा क्या हो सीता? घबरा। अरे ये तो मेरे बाया हाथ का खेल है। पिताजी राम बाबू आए थे, मैंने ऊपर वाला सांप दे दिया। अरे तूने ये क्या अनर्थ कर दिया बेटा, उस सांप का मैंने अभी तक जहर ही नहीं निकाला है। सीनू, ए सीनू, डरने की जरूरत नहीं है, उसके दांत निकाल दिया ना। बोलेगा तो तेरे दांत निकाल दूंगा। सिनू संभाल कर। अरे डरो मत सीता, मैंने ऐसे कई सांप पकड़े हैं। सिनू इसने तुम्हें डस लिया। अरे ये तो मच्छर काटने जैसा भी नहीं है। अरे ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बिना बताए इसने मुंह में साबुन का झाग रख लिया है। सिनू, 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 ए राम बाबू, ए राम बाबू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तुझे जो सांप दिया था उसका ज़हर निकला है। सुनो, सुनो, क्या करें? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर, सिनू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10 मिनट में होश में आ जाएगा। अगर आपने मुंह से जहर नहीं निकाला होता तो इसे बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता। सिनू, मैं चलती हूँ डॉक्टर। ठीक है। आज अगर हमारा सिनू जिंदा है तो वो आपकी वजह से ही। हाँ, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ ये सच कह रहा है, आप इसकी जान बचाने वाली देवी है। ऐसी बातें मत कीजिए, सिनू को जितना आप लोग चाहते हैं उतना मैं भी चाहती हूँ। आगे से उसे सावधान रहने के लिए कहिएगा, स्कूल में बच्चे डर गए हैं, मुझे जाना चाहिए। नमस्ते। अब कैसा लग रहा है सिनू? कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर से आ रहा है। मुझे माफ कर दो भाई, एक बेवकूफ जैसा आइडिया देकर तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुमने थोड़ी सोचा था कि ऐसा होगा, अरे अब जो हो गया सो हो गया।
अब सीता यहाँ नहीं आई थी क्या? अभी तक तो यही थी यार, तुम खतरे से बाहर हुई जानकर यहाँ से चली गई। चली गई? अभी चली गई तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में वाइफ बनकर आएगी वो। नहीं समझे, सीता तुमसे प्यार करती है। सच कह रहे हो? ऐसा कहा सीता ने? लव की बातें बताने लायक नहीं होती, वो सिर्फ समझी जा सकती है। हाँ यार, मैं भी चाहती हूँ, ऐसा बोलने के बाद हमें समझ में आया कि वो भी तुमसे प्यार करती है। अरे इसीलिए तो उसने अपने मुंह से जहर निकाल कर तुम्हें बचा लिया। और ये करने में उस जहर से उसके जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाई ये सब किया। इसका मतलब वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए जल्दी जाओ और अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं तू बताना। अरे भाई यार, यू लव मी, आई लव यू। जिंदगी में पहली बार इसने इंग्लिश सही बोली। अच्छा शगुन है, तू निकल ले। अरे सोच क्या रहे हो, सीता ने कह दिया ना कि वो तुम्हें चाहती है, इसका मतलब सीता तुमसे प्यार करती है। अब तुम्हारी जिंदगी रंग भरी रंग भरी रंगीली रंगीली। इस शादी के लिए मैं कभी हाँ नहीं कहूँगा। लेकिन क्यों पापा? तू अच्छी तरह जानता है स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की के साथ तेरा प्यार नहीं हो सकता। हमारी हैसियत क्या है और उसकी क्या है? लेकिन प्यार के लिए हैसियत जरूरी है? प्यार के लिए नहीं है, पर शादी के लिए जरूरी है। अच्छा, अपने प्यार के बारे में इस लड़की को अभी तक बताया? नहीं पापा। तो कभी बताना भी मत। सीनू बहुत जिद्दी है पापा। हाँ बेटी, सोडा मिलाए बिना ही पिला देता है। मैं सांप के बारे में बात कर रही हूँ पापा। ओह, सांप के बारे में? मेरे मना करने पर भी नहीं माना, अपनी जान खतरे में डाल दी उसने। अरे वो किसी की बात मान ले, ऐसा है ही नहीं। मुझे एक डाउट है बेटी। कैसा डाउट? स्कूल में उसी ने सांप छोड़ा, ये मुझे डाउट है। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारे सामने हीरो बनने के लिए बेटी। नहीं समझी? लगता है वो तुमसे प्यार करता है, ये डाउट है मुझे, इसलिए स्कूल के आसपास घूमता रहता है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? सीधी बात कर रहा हूँ। पता है हम दोनों जो एक साथ घूमते रहते हैं वो प्यार होता है क्या? अगर आपकी बात सच है तो वो मुझसे प्यार करता होगा, पर मैं उससे क्यों प्यार करूँ? मेरा पति कैसा होना चाहिए उसे लेकर मेरे कुछ सपने हैं पापा। क्या सपने हैं बेटी? मेरा पति दिखने में कैसा भी हो पर उसका दिल साफ होना चाहिए। लखपति ना हो करोड़पति ना हो तो भी चलेगा। पर लोगों का भला करके उनके बीच इज्जत बनानी चाहिए। मेरा पति मुझसे भी अच्छी पोजीशन पर हो। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति अच्छा कमाता हो और जिंदगी में हर चीज में उससे एक कदम आगे ही हो। प्यार करने के लिए दिल होना चाहिए, शादी के लिए सही उम्र होनी चाहिए, बीच में पोजीशन की क्या जरूरत? इसीलिए तो ऐसी औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तू हाँ कह दे। मेरे दूर के रिश्ते में सूर्यकांत की एक लड़की है, गोबर के उपले वो मस्त बनाती है, उसके साथ तेरी शादी करवा देते हैं। टकलू, गोबर के साथ? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। सीता ने जो भी कहा है उसमें गलत क्या है? उसका होने वाला पति उससे बेटर पोजीशन में होना ही चाहिए। ऐसा है तो बेटर पोजीशन क्या है, वहाँ पर पहुँच जाओ। सही कह रहा है। सही कहा, तभी मैं सीता को अपने प्यार के बारे में हिम्मत से कह सकता हूँ, उससे शादी के लिए मना सकता हूँ। आइडिया, तू डॉक्टर बन जा। डॉक्टर? अब जब ये घोंचू डॉक्टर बन सकता है तो तू क्यों नहीं? अबे मेरे बारे में क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, तू डॉक्टर नहीं, कलेक्टर बन जा, ये बिल्कुल सही रहेगा। उससे अच्छा पोस्टमास्टर बन जा। पोस्टमास्टर से अच्छा हेडमास्टर का पोस्ट है, दोनों मिलकर एक ही स्कूल में काम करोगे। अरे बकवास बंद करो, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई की बात तो इसके सामने बिल्कुल मत करना, कह दे रहा हूँ। अबे क्या कर लेगा? अरे भाई बाद में लड़ना, पहले ये मिठाई खा लो। क्या विशेष है, तेरी बीवी पेट से है क्या? अरे ऐसा कहा, मेरा नसीब है। तो फिर ये मिठाई किस लिए? इस बार मैं पंचायत का वार्ड मेंबर बनने वाला हूँ। अबे ठीक से अंडरवियर तो पहन नहीं पाता और हमारे सामने आकर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, कौन वार्ड मेंबर बना रहा है तुझे? हमारे सरपंच जी। इस बार वो मुझे पंचायत का वार्ड मेंबर बना रहे हैं, तो मैंने हाँ कह दी। चलता हूँ सीनू, बहुत काम है, कल ही नॉमिनेशन होने वाला है। यही तो नसीब है, बिना पढ़े लिखे राजनीति में घुस जाओ। पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो भी एमएलए एमपी और मंत्री बन सकते हैं, राजनीति में यही होता है। अरे भाई नौकरी करने से तो अच्छा है कि राजनीति करो। तू सोच के देख। ए, सुनो, सीता से शादी के लिए मुझे एक आइडिया सूझा। ऐसा आइडिया भाई? आने वाले पंचायत चुनाव में अगर मैं जीत कर सरपंच बन गया तो सीता से बेटर पोजीशन में रहूंगा ना? बिल्कुल सही बोला, टीचर से बड़ा सरपंच होता है। अरे हाँ यार, एक बार अपने वो सरपंच साहब स्कूल गए थे तो वहाँ के टीचर ने उठकर उन्हें नमस्ते किया और फिर अपनी कुर्सी भी उन्हें दे दी। शुभकाम में देरी क्यों, कल ही शुरू करते हैं। कल ही हम जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर देंगे। सिन्नू जी, सिन्नू जी, अरे तो जिंदाबाद कहो। अरे जिंदाबाद कहो तेरी तो। सिन्नू जी ठीक है बोलो। सिन्नू जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिन्नू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिन्नू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिंग राजा जी जिंदाबाद, 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 लिंग राजा जी जिंदाबाद। ये सब बकवास क्या है? ये बकवास नहीं है मालिक, ये हमारा प्यार है। आप सरपंच बन गए हो ना मालिक? अभी तक तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, उसकी क्या जरूरत है, सामने कोई रहेगा तब ना। क्या बात कर रहे हो,
इस पूरे गांव में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो इनके सामने चुनाव में खड़ा हो सके। इस गांव के वोटर की कसम, डाल दो, जल्दी करो। तुमने खुद पहन लिया, चुनाव तो तुम ही लड़ रहे हो ना। ये तिलक कोई मामूली तिलक नहीं है, श्रृंगार का तिलक है क्या? वीर तिलक है। हाँ। समझ लो कि तुम चुनाव जीत गए तो फिर नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे अरे अरे, सुनो, सरपंच बड़ी रैली के साथ नॉमिनेशन के लिए जा रहा है। उसकी रैली इतनी बड़ी है, अगर हमारी रैली छोटी हुई तो हमारी इज्जत नहीं खराब हो जाएगी? सही कह रहे हो यार, अगर हम बिना रैली के गए तो बहुत चीप लगेगा यार। उसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। सीनू जी, सत्यमूर्ति, लगता है तुम्हारा भांजा पहले से बहुत सुधर गया है। कर रहे? मेरे सपोर्ट में बच्चों को इकट्ठा किया उसने। ये बात समझ में नहीं आ रही है। सीनू, एक बार सामने देखो, वोट डालने वाले सभी एक तरफ हैं। वोट क्या होता है ये नहीं जानने वाले सभी बच्चे तुम्हारी तरफ हैं। तू ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? इलेक्शन के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? पैसे मुझे दे दे, मेरे पीने के काम आएंगे। अरे पिएगा तू तो इसे क्या फायदा होगा? सीनू जी, सीनू जी, सीनू जी, हमारी मांगे। इलेक्शन में तुम्हारी मांग क्या है रे? एक दूंगा, जिंदाबाद बोल, जिंदाबाद। हाँ। सीनू जी, जिंदाबाद। सीनू जी, जिंदाबाद। ये सीनू आपको पहली बार सपोर्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। मेरा शक सही निकला, ये आपके सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, ये तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है। मैं भी सुन रहा हूँ। क्यों सत्यमूर्ति, तेरा भांजा मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है ये तो मुझे तुमने पहले नहीं बताया? मुझे भी अभी अभी पता चला है, मैं जाकर उसके सर से इलेक्शन का भूत उतारता हूँ। ए सीनू, ये माला क्यों पहना है? क्या लफड़ा है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सामने जो खड़ा है वो सरपंच है और ये सारे वार्ड मेंबर्स हैं। ऐसा क्या जा रहा है? जाने दे मुझे। पागल हो गया क्या? इलेक्शन में खड़ा होगा वो भी सरपंच जी के सामने? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है? सुन लो, जो वोट देता है उसका ये हक भी है, वो किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। अरे बेकार में घूमते रहते हो, तुम क्या जानो राजनीति? बड़ा राजनेता बन रहा है, तुझे पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रहा है। क्या गलत है? ए सीनू, ये नॉमिनेशन का लफड़ा नहीं करना है, पहले घर जाओ। क्यों जाऊं मैं तो ये चुनाव लड़कर ही रहूंगा। चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता, वोट भी मिलना चाहिए। अरे गांव में तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारे मामा मामी तुम्हारी माँ भी तुम्हें वोट नहीं देगी। अरे मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। हे सीनू, बता तू घर जाएगा या नहीं? नॉमिनेशन के बाद ही जाऊंगा। तो तेरी समझ में मेरी बात नहीं आ रही? सत्यमूर्ति, क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो उस पर? हाँ क्यों सीनू, प्रेसिडेंट के लिए सामना करोगे? यही ना? हाँ यही है। ठीक है करो बेटा। अरे ऐसे कैसे सामना करेगा, हम नहीं मानेंगे। रुको, तुम सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये कह रहा है कि सामना करूंगा, सरपंच बनूंगा, ये तो नहीं कह रहा। ठीक है सीनू, तुम्हारी इच्छा है तो तुम नॉमिनेशन भरो, लोग तो वैसे भी तुम्हें वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा। है कि सीनू इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं, उसकी वजह से अपना गांव बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है पार्वती अम्मा का बेटा सीनू सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ रहा है? हाँ दीदी, मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी कि कलयुग आएगा वो सच हो ही गई। क्यों भाई, सीनू को वोट दोगे क्या? अरे उसको वोट डालने से अच्छा है अपने आप को ही मार दूं। क्या सीनू इलेक्शन लड़ना चाहता है? हाँ, पर क्यों? अब बात यह है सीता कि अब मर्द हूँ तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम करना है तो सरपंच बनने की क्या जरूरत है? वो क्या है सीता, अगर सरपंच बन गया तो अपनी समस्याओं के साथ ही साथ गांव वालों की समस्या भी सुलझा सकता हूँ ना। गांव वालों की समस्या खुद तुम ही हो, तुम क्यों उनकी समस्याएं दूर करोगे? मुझे भरोसा नहीं होता। सच बताओ, सरपंच पद के लिए क्यों लड़ रहे हो तुम? बात यह है सीता, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ सीता, उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। प्यार से सरपंच पद का क्या संबंध है सीनू? अब प्यार के लिए भले नहीं हो, लेकिन शादी के लिए तो जरूर होगा ना सीता। सही है, आज तक तुमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तुम में इतना बदलाव लाने वाली वो लड़की सच में ग्रेट है। वैसे वो लड़की है कौन? वो बताओ ना, वक्त आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। ठीक है, एक फ्रेंड के नाते तुम अपने प्यार में और इलेक्शन में जीत जाओ यही चाहती हूं। तो फिर तुम अपना वोट मुझे ही दोगी ना? पहले तुम जीतने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें वोट दूंगी। कदम कदम बढ़ाए जा। हाँ? हाँ? तिलक लगाओ। हे सरोजा, हे सीनू, मैं तेरे से आखिरी बार कहता हूँ, तुरंत सरपंच जी के पास जाओ और कहो कि मैं गलती से इलेक्शन में खड़ा हो गया, मेरी गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इलेक्शन से पीछे हट रहा हूँ। पीछे हटना या किसी से माफी मांगना, यह सरपंच सीनू के खून में नहीं है। तिलक मैं खुद ही लगा लेता हूँ।
आप अपना बहुमूल्य वोट सरपंच के उम्मीदवार सीनू को देकर विजय बनाइए, यही प्रार्थना है। मामा जी, माँ जी, मामी जी, आपका वोट, आपका वोट, आपका वोट, मतलब तीन वोट, मुझे, 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 चौथा वोट ये तो मेरा ही है। माँ जी जरा इधर मुड़िए। शर्म नहीं आती तुझे? अब तो खुश हो गया? एक बात जरूर ध्यान रखो, इस समय तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ, आगे चलकर ये सरपंच सीनू एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। मिनिस्टर सीनू साहब जिंदाबाद। ओम सीता का प्रेम मुझे मिलना ही चाहिए, जय हो। ये क्या कर दिया यार? अरे तुम्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए बोला था मैंने। देखा यार, गलती होगी, चल 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 चल। अरे वेंकटराव, वेंकटराव, तुम लोग बुलाओगे या फिर मैं बुलाता हूँ? भाई चुप रहो, मैं तुम लोग सिर्फ वार्ड मेंबर हो और मैं सरपंच हूँ, मैं बुलाऊंगा। देखो अभी से इसके तेवर। अरे ओ वेंकटराव। अरे कौन है? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। उसने पूछा क्या कि कैसे हो? अरे उसके पूछने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ही बता दिया। उसके पास काम धंधा नहीं, खाता है, पीता और सोता रहता है। जरा देख इसकी तोंद कैसी बढ़ गई है। अगर इससे वोट मांगा तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? अरे तू क्यों बीच में बोल रहा है? सरपंच जी बात कर रहे हैं ना। देखो सरपंच हूं, सरपंच होने के नाते बोल रहा हूं। बेवड़े की तरह 10 बजे तक पीना और 10 बजे सोकर उठना ठीक नहीं है। कब से देख रहा हूँ तू कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। तेरे जैसे बेकार को वोट कौन देगा? वोट मांगने आया है और रुतबा दिखा रहा है। क्यों बे वेंकट राव, तुझे दोस्ती के नाते बोल रहा हूँ, अगर अपना वोट सीनू को नहीं दिया तो तू जो तालाब के पास रासलीला करता है, अगर मैं नागमणि को बता दूंगा तो तेरी तो निकल जाएगी बेटा। तू क्या बोलेगा और वो क्या कर लेगी? इधर आ, मैं बताती हूँ क्या कर सकती है। हाँ, क्या समझता है अपने आप को? गांव के नाम पे तू तालाब के पास। अरे यार यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, चलो निकल लो यहाँ से जल्दी। क्यों सीनू, हम वहाँ वोट मांगने गए थे या पति पत्नी का झगड़ा करवाने गए थे? तुझे वो पति पत्नी लगते हैं क्या? क्या बोला नाला? वोट डाल कर जाओ नागमणि मामे। अरे तुझे कौन वोट डालेगा बे? अरे मामा, मामा मेरा वोट। अरे सीनू वो देख, सुरम्मा का घर आ गया। सुरम्मा नमस्ते सीनू जी। हाँ नमस्ते, देखा पहचान लिया मुझे। ऐसे थूक कर क्यों गया सुरम्मा? लगता है अंदर काम कर रही, जरा जाकर देख कर आता हूँ। सरम्मा, सरम्मा, सरम्मा। कौन है? ओ, तो तुम नहा रही हो? ठीक है तुम बाहर मत आना, मैं अंदर आ जाता हूँ। सरम्मा मैं तेरी पीठ मल देता हूँ, इसलिए तू मुझे ही वोट देना, फूल का निशान। नालायक, वोट मांगने के लिए तू अंदर घुसाया? मामा, मामा, मामा। अरे क्या हुआ? अरे इस सुरम्मा में जरा भी मान मर्यादा नहीं है। मैंने वोट मांगा तो पता है उसने क्या किया? लोटे से मेरे सर पर मारा। देखो सूझ गया। बिना कुछ किए वो क्यों मारेगी? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। सुरम्मा जो है ना वो बाथरूम में नहा रही थी, बगैर कपड़े के उसका बाहर आना ठीक नहीं रहेगा, ये सोचकर मैं अंदर चला गया। जाकर मैंने कहा सुरम्मा, सुरम्मा अपना बहुमूल्य वोट मुझे ही देना, मैं तुम्हारी पीठ मल दूंगा। बस उसने लोटा दे मारा मेरे सर पे। अच्छा तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बात सच्ची बोल, मेरी इसमें क्या गलती थी? ये गलती नहीं है बेटा, इसे ब्लंडर बोलते हैं। तेरी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बाथरूम में जाके कोई वोट मांगता है क्या? तू कभी नहीं सुधरेगा। इसे कैसे समझाना है मैं जानता हूँ। समझदार है वो, इस समय बाथरूम में है इसलिए भड़क रही है। उन लोगों के साथ अगर ऐसे बात करेगा ना तो ही ठीक रहेगा। अगर उन सब पर आक्रमण करके बताओगे ना तब मजा आएगा। बिल्कुल सीनू साहब, सीनू साहब। हे भैंस माता, हे गाय माता, हमें वोट कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है वोट डालना उतना ही आसान है जितना गोबर करना? तुम सो जाओ माता जी, सो जाओ। वो सो जाएगी, तुम अपनी बकवास बंद करो यार। हमने बोल कर मांगा, गा कर भी मांगा, सभी थूक के जा रहे हैं। लगता है हमें एक भी वोट नहीं मिलने वाला भाई। हाँ यार अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये क्या कोई नहीं आया? और ये लोग भी नहीं आए अभी तक, ये हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला। सुशीला नाम मुझे बहुत पसंद है। नए गाने सुनती हो? सुनती हूँ। अच्छा सुनो, पहले तुम इसे खा लो प्लीज मेरे लिए। अरे खा लो ना प्लीज। अब बस कीजिए ना, मुझे तो नींद आने लगी है। बहुत अच्छी दिख रही है तुम, थोड़ा और। अगर नहाई हो तो ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या काट रहा है? तुम्हारे सर में जुए हैं क्या? जी आप भी ना। ये सही है, मुझे फैमिली डॉक्टर बना लो। तुमसे कभी पैसे नहीं लूंगा, कभी कभी आता रहूंगा बस। रख लूंगी। अरे बाप रे। ऐसे क्यों चिल्लाया? मैं नाम भूल गया पता है। चिल्लाओ नहीं तो क्या चुम्मी दूं तुम्हें? इसे इलेक्शन में तुम्हारे साथ रख लो, ये तुमसे पैसे नहीं मांगेगी। बहुत बकवास होगी तुम लोगों की, चुप करो। तुम लोगों में कोई अकल है या नहीं है? लोगों का आने का टाइम हो गया और वहाँ अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। छी, तुम्हें काम बताकर मैंने ही सबसे बड़ी गलती की। तू हमसे जलता है सीनू? ए सीनू, इतनी छोटी बात के लिए चिल्ला रहे हो? वहाँ जाकर देखो राम बाबू क्या कर रहा है। कौन सा स्टेप है ये, कौन सा स्टेप है ये? कमर लचका, लचकाई, कंधे पर हाथ डालो। वो क्या है ना कि
स्टेज पर जाने से पहले इसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तू बहुत बड़ा माइकल जैक्सन है प्रैक्टिस करवाने के लिए। ए, तुझे ऐसे ए, दुखी बात है ना, मैं आ रहा हूँ। राम बाबू मामा, ये ड्रेस कैसी है? एकदम शॉटगन स्टाइल है। चुप कर, एक थप्पड़ मारूंगा तो तेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। वहाँ पर अभी कोई भी आदमी नहीं आया है और तू कह रहा है। चल, ये कोई डांस है क्या? अरे तुम अपना दिमाग इसमें मत लगाओ, हमारे गांव के लोग खाना बटने पर यहाँ आएंगे या नहीं पता नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर डीजे लगाओगे तो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। फूल 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 निशान, फूल निशान, फूल फूल। मेरे गांव की जनता, आप सब आज यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले रिकॉर्डिंग डांस का मजा लेकर हमारे सीनू बाबू को गुलाब फूल पर अपना मुहर लगाकर इन्हें जरूर जिताएंगे, ये मेरा आप लोगों से निवेदन। अरे है, दो मिनट में प्रोग्राम शुरू कर, नहीं तो जरूर पीटेगा तू। अरे बाबूगा, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। बोर्ड के बारे में बात करने से पहले हम लोग प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं जल्दी। ओए, ये लेंस लगा कर तू ऐसे क्यों देख रहा है? अरे बड़ा भाई, बड़ा बड़ा लिखेगा तो तेरी आंखें फट जाएंगी। चल निकल, डांस करने दो, इनको डांस करने दो, डांस करो। फूल के निशान पर वोट देना है। ओनली डांस ही है या और कुछ भी है? अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, असली प्रोग्राम तो इसके बाद है। मुझे चाहिए तो किससे मिलना होगा? किसी और से क्यों, अपने राम बाबू से मिल लो, वो सब कुछ सेट कर देंगे। पुलिस चुप, एक एक को सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब हर एक को दो दो चाहिए तो कैसे चलेगा? मुझे सोचने दो। सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। अरे आप क्यों आ गए? आप कहते तो हम आपको भिजवा देते ना। तू क्या भेजेगा बे? मैं तुझे भेजता हूँ सेंट्रल जेल। पकड़ो इसे। ओके सर। क्या हुआ बे, इन सब का तू ही हेड है ना? नहीं 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 सर, मैं यहाँ का हेड नहीं हूँ, मुझे काम किसी ने दिए ही नहीं। देखिए वो, हाँ वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, वो देखिए उधर। नमस्ते सरपंच जी। सुन भाई, यहाँ अपना दुश्मन आ गया है, लगता है हमें फांसी लगवाएगा ये। क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ क्यों आए हो? ये लोग रिकॉर्डिंग डांस करवा कर बहुत लफड़ा कर रहे हैं सर, पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए अरेस्ट करने आया हूँ। गर्म खून है ना, जल्दबाजी कर दीजिए। मत पड़िए सर, इस मामले को मुझे ही देखने दीजिए। मेरी बात सुनो। ठीक है, जाते हैं सर, जैसी आज्ञा, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। ए, चलो। क्यों सीनू, ये नाच गाना कर रहे हो, इतनी निष्ठा पर उतर आए हो? रिकॉर्डिंग डांस छोड़िए, ये बेवकूफ कुछ भी कर सकता है। ये आदमी तो वोट के लिए हमारा संसार बर्बाद कर देगा। हाँ। ये सीनू बनेगा प्रेसिडेंट और वो बनेंगे इसके वार्ड के मेंबर, तब तो हो गया कल्याण। हाँ, चलो यहाँ से। देख लिया ना औरतों का गुस्सा, ये काफी है, और चाहिए। ये सब क्या हो रहा है सीनू, ऐसी हरकत करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? सोचा कि ऐसा करूंगा तो वोट मिल जाएगा। वोट चाहिए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए सीनू, जनता को परेशान करना ठीक नहीं है। असल में इस सरपंच पद की क्या अहमियत है तुम्हें पता भी है? 5 सालों तक पूरे पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी सीनू। सरपंच पद के लिए लड़ रहे हो तुम और ऐसा गिरा हुआ काम कर रहे हो। कल अगर तुम सरपंच बन जाते हो तो गाँव की भलाई के बारे में सोचना होगा, न कि गाँव के लोगों को परेशान करने के लिए। अगर तुम वोट पाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों का विश्वास जीतना होगा, उनकी सारी समस्याएं तुम्हें ही दूर करनी होगी सीनू, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा तुम्हें। इतने दिनों तक तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनने का मौका मिल रहा है। इस गाँव के लोग तुम्हें कितना भला बुरा कहते हैं, तुम्हें अब एक मौका मिला है उन लोगों का भरोसा जीतने का, इसे बेकार मत जाने दो। अगर तुम ऐसे काम करते रहे तो इलेक्शन भी नहीं जीतोगे और जो पाना चाहते हो वो भी नहीं पाओगे। इतना होने के बाद भी अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो ये चुनाव जीतना तो छोड़ो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। सीता, तुम तो ऐसी बात मत करो, मैं अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है सीनू तो तुम जरूर जीतोगे। अरे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, तू दिल पे मत लेना यार। तुम रुको यार, वोट के लिए हम लोग कुछ और करेंगे। अभी तक के सारे प्लान बेकार रहे, सीता ने गांव की समस्या मिटाने के लिए कहा, हम वही करेंगे। गांव की समस्या कम होती है, किस किस को मिटाएगा? वोट की समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, करंट की समस्या, ये सब है गांव की समस्या। इतनी सारी समस्याएं हैं, हमें ये सोचना है कि पहल कहां से करें। वो क्या है कि रोड बनेगा तो सही रहेगा, सीता आते ही रोड के बारे में बोल रही है। ये कौन सी बड़ी बात है, अरे 2 दिन में बनवा देंगे। अरे क्या बनवा देगा, अगर रोड बनवानी है तो मंडल ऑफिस में जाके बात करनी पड़ेगी सीनू। यार ये जो कह रहा वही चलते।
इस पर बैठने वाला कहाँ? अरे ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब कहाँ हो? कहाँ हो? अरे ऐसा चिल्ला क्यों रहा है? ऑफिस है, आ जाएंगे। आ तो भाई, आ ये बैठ जाओ, बैठे बैठे संभल के बैठना। क्या मस्त लग रहा है सिनू। अरे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? नमस्कार कीजिए सेठ जी को, कीजिए। अरे कीजिए ना, तू भी करना। नमस्कार पर नमस्कार करना अपना संस्कार है। ये बताइए, वैसे ये है कौन? अरे क्या बोला, सुना नहीं क्या? ये हमारे गांव का सरपंच है और हम सब वार्ड मेंबर है, समझे आप? इलेक्शन हुआ नहीं और ये सरपंच होने वाले। सरपंच जी मतलब? अरे इस बार यही सरपंच बनेंगे। जरा खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हाँ अब क्या है बोलो। हमारे गांव का रोड ठीक नहीं है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक हफ्ते में हमें रोड बनवाना है। हफ्ता क्यों, तुरंत बनवाना है। काम कब शुरू करने वाले? सुबह राव। थैंक यू सर। आ जाओ। क्या बात है? क्यों रे साहब बुला रहे और तू वहाँ घुसा हुआ है? जल्दी से नहीं आ सकता तू? पहले इन सबको उठा के बाहर फेंक दो। ये क्या जी, हम रोड बनवाने के बारे में बात करने आए और आप उठा के बाहर फेंकवा रहे हैं? तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे और तुम्हारे कहने पे रोड बनाएंगे हम लोग। क्यों क्यों नहीं बनवाओगे? हम क्या अपने घर के लिए रोड मांग रहे हैं? गांव के लिए मांग रहे हैं ना? तुम्हारे गांव के लिए बनाओ या फिर अपने घर के लिए बनाओ, तुम्हारे बोलने पर हम रोड नहीं बना देंगे। फाइल रेडी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से पैसा पास कराना पड़ता है, तब जाके रोड बनता है। कई सालों से यहाँ पे लोगों ने फाइल जमा की है फिर भी उनके गाँव में रोड नहीं बना है। और सुनो मेरी ये बात कान खोल कर सुनो, तुम्हारे लिंगराज गांव में सपने में भी रोड नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बनेगा? ये सब तुम्हें क्यों बताऊं मैं? ए, इसे बाहर निकालो। बात करने की तमीज नहीं, नियम कानून पता नहीं और चला रोड बनवाने। आया बड़ा सरपंच बनने। अरे यार, अरे सुनो भाई सुनो, जल्दी सुनो। अरे क्या हुआ? हमारे गांव में रोड बनने वाला है। हा? देखो रोड मशीन आ गई है। मैं जानता था अपने गांव में रोड जरूर बनेगा। अरे भाई सुनो सुनो, अपने गांव में रोड बन रहा है, ये मुझे सपना जैसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्या, गांव में सभी को ऐसा ही लग रहा है। हम लोग पंचायत राज ऑफिस से आ रहे हैं। नमस्ते, बताओ। ये हमारे गाँव के सरपंच है मिस्टर सिंह। नमस्ते, आपके गांव का शिवालय मंदिर किधर? हाँ हाँ शिवालय, हाँ यहाँ से दाएं जाना फिर वहाँ से बाएं मुड़ना और जब आगे। अरे क्यों इतना घुमा रहे, यहाँ से सीधे जाइएगा तो आप शिवालय पहुँच जाइएगा। नहीं ये नहीं जानता मैं बताता हूँ। देखिए जी आप रुकिए, देखो तुम पुराने सिनू नहीं रह गए, इस गांव के सरपंच हो। तुम्हें पता है तो बोलो कि पता है, नहीं पता है तो बोलो कि नहीं पता है, ज्यादा मत बोलो। ऐसे कुछ नहीं मालूम, ये तो गांव में नया नया आया है ना। आप रुकिए, क्या कहा? मैं इस गांव में नया, मैं पैदा हुआ तो सब ये गांव पैदा हुआ है। चुप कर, बिना दिमाग का। बिना दिमाग का? इसकी बात मत मानिए, थोड़ा पागल है इन्होंने जो बताया। आप जाइए, आपको शिवालय का रास्ता पता चल गया ना, आइए चलते हैं। देख ले आज से तेरी मेरी कट्टी। मामा 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 मामा, रो मत रो मत, मैं जानता हूँ तुझे सारे रोड्स के बारे में पता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? तुझे नहीं पता? देखो तुम्हारे बताए रास्ते से सिर्फ दो ही रोड पड़ते हैं और मैंने जो रास्ता बताया है उसमें सारे रोड्स आ जाएंगे। ऐसा है तो ठीक है। मेरे यार तू कितना ऊपर पहुँच गया है यार। बच्चा हाय, ये रोड क्या, ये मंदिर क्या, इसका संबंध क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इनके बीच संबंध का कारण है एक महान व्यक्ति। तुम पर यकीन करने के बाद कचरे में काम करने वाला ये कचरा अप्पल नायडू मंत्री अप्पल नायडू बन गया। इन्हीं हाथों से मुझे पीएम या राष्ट्रपति बना दिया तो सोने के जैसा दिखने वाला रोल गोल्ड का मंदिर जरूर बनवा दूंगा, सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस। उस कचरा के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे मामा कल जब हम एमडीओ ऑफिस में गए तभी पता चला कि मंत्री गेस्ट हाउस में। तुम लोग जब चले गए ना तो फिर मैं उससे मिलने गया था। सूर्य नमा केशवाय नमा घोषी। मंत्री जी बार बार घोषी घोषी कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, घोषी घोषी मतलब बहुत बड़ा होता है। सुनो घोषी घोषी में गो से गोविंदा शीशे शिवा, कहो गोविंदा शिवा, फिर से गोविंदा शिवा। हाँ नारियल। एक मिनट राख, यहाँ पर झाड़ी यहाँ पर। नमस्ते सर। नमस्ते, हाँ बोलो बैठो। सर मेरा चेक। अरे सुनो इनका चेक लीजिए। सर इसमें तो साइन ही नहीं है। मेरा अंगूठा खराब है, तुम्हारे गांव आऊंगा तो साइन कर दूंगा। ठीक है चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? वेट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं सीनू हूँ, मेरा गांव लिंगराज। अच्छा, मेरा नाम कचरा अप्पल नायडू है, मेरा गांव हैदराबाद। मैंने गांव के मंदिर में पूजा करवाई है, उसका प्रसाद देना। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। आहा गोशी गोशी, ये विभूति इतना विचित्र क्यों है? हमारे गांव में भभूति डायरेक्ट ऊपर से गिरती है। ऐसा है तो तुम्हारे गांव का मंदिर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। आओ बैठो, क्या काम है? काम कुछ नहीं साहब, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
सुना कि आप यहाँ हैं इसलिए मिलने चला आया। बैठो बैठो, मैं कोई रजनीकांत या सचिन नहीं हूँ, मेरा फैन कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं सर, क्या सिनेमा और क्रिकेट वालों के फैन होते हैं, राजनेताओं के नहीं होते हैं क्या? राजीव गांधी के हैं, वाजपेयी के हैं, चंद्रबाबू के हैं। मुझे उनसे मत मिलाओ, मैं नीचे ही ठीक हूँ। वो क्या है सर, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। बड़ी रहेगी तो भी चलेगा, बोलो। हम पूरी थोड़े करेंगे। हमारे गांव में एक शिवालय है, यदि कोई भी उसकी 108 प्रदक्षिणा करता है तो उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाती है। जो भी मांगो मिलेगा। अरे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अगर आप इससे भी बड़े मंत्री बनना चाहते हैं तो वो भी बन जाएंगे। बचपन से मेरी यही इच्छा थी। कल इनके गाँव जाने का इंतजाम करो। ना ना ना, कल नहीं, अगले शनिवार को। शनिवार को त्रयोदशी है, उस दिन आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। में लिखो, तैयारी शुरू कर दो। ठीक है सर। गोशी नमस्कार। यार आइडिया सुपर है, इसके बाद इस गांव में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। अरे मालिक, वो सीनू हमारे गांव में रोड बनवा रहा है। अरे जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। तो फिर कुछ क्यों नहीं करते? उसके पास आवेश है, मेरे पास अनुभव। घर को रंगने से त्योहार नहीं होता, रोड बनाओगे तो वोट नहीं मिलता। अपने गांव के लोग उसे जैसा समझते हैं वैसा ही समझते रहेंगे। क्या कहा? गांव में रोड सीनू बनवा रहा है? तेरी बात पर यकीन कर लूं क्या? मैं कोई पागल हूँ? चल जा यहाँ से। क्या कहा? मंत्री जी को सीनू ने बुलाया है? अरे वाह भाई, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। सीनू और मंत्री को बुलाएगा? तो मैं सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिली क्या? जाओ जाओ, किसी और को ये सब बातें सुनाओ। ये क्या है यार, गांव में तुम रोड बनवा रहे हो और मंत्री जी को तुमने बुलाया, इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा? अरे कल वो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना, कल जब वो मेरे कंधे पे हाथ रखकर हंसते हंसते बात करेंगे तब सबको यकीन होगा। अरे देखो मंत्री जी आ गए। कचरा मंत्री जिंदाबाद, कचरा मंत्री जिंदाबाद, गोशी गोशी, एपीए, ये लोग कचरे के नाम से जिंदाबाद बोल रहे हैं, बोलो कि मेरे नाम से जिंदाबाद। शांत हो जाओ। कचरा मंत्री नहीं, मंत्री अप्पल नायडू जिंदाबाद कहो। हाँ सही है। ये यही तो लिंगराज है, 25 साल से यही तो गांव के सरपंच है। गोशी गोशी, अबे पीछे क्या कर रहा है? 25 सालों तक किसी पद को बचाना बहुत मुश्किल होता है, आपने बचा कर रखा, बहुत खतरनाक आदमी है यार। ये तो हमारे गांव के लोगों का प्यार है। अपने जैसे नेता को ऐसे बेवकूफी चाहिए। चलिए ले चलिए, बस करो, हो गया हो गया। वो मंदिर किधर है? मंत्री जी, ये वही लड़का है ना जिसने मुझे गांव में बुलाया था? हाँ सर। मंत्री जी, लगता है लोगों के पीछे फंस गया है, बुलाओ क्या उसे? हमें लोगों के पीछे रहने वाला नहीं, लोगों के आगे रहने वाला चाहिए। मंत्री जी, मैं मंत्री जी, मेरे बुलाने पर आया। मंत्री जी, हाँ बहुत बड़ा नेता है तू। अरे जाने दो मुझे मंत्री जी। ये क्या सीनू, मंत्री जी तुम्हारे बुलाने पर आते हैं तो तुम्हें छोड़कर आगे क्यों चले जाते हैं? अरे मुझे देख, कल तक तो बोल वचन दे रहा था कि रोड मैं बनवा रहा हूँ, मंत्री जी को मैं बुला रहा हूँ। अरे लोगों को बेवकूफ बनाने में ये एक नंबर है। चलो भाइयों। ये क्या यार, मिनिस्टर तो तुमसे बिना मिले जा रहा है, तू सच तो बोल रहा था ना? हा? ये क्या सीनू, तूने हम सबसे झूठ बोला, तूने ये ठीक नहीं किया। सीनू, इस गांव में रोड बनाने के लिए तुमने ही मंत्री जी को यहाँ बुलाया है, इस पर कोई यकीन करे या ना करे, मैं यकीन करती हूँ सीनू। अगर तुम्हें चुनाव जीतना है तो सिर्फ मेरे माने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सबको विश्वास दिलाना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ये काम तुमने किया है। इतना सब कुछ किया है तो क्या ये काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। फोन बज रहा है, देखो। एक मिनट सर। सर हाँ, पार्टी ऑफिस से फोन है। हाँ? अर्जेंट बात कर रहे हैं। परिक्रमा करते ही प्रमोशन का फोन आ गया लगता है। हेलो हेलो, कचरा अप्पल नायडू बोल रहा हूँ। आपको मंत्री पद से हटा दिया गया है। अरे रे, ये तो बुझ गया सर। अभी तो आरती बुझी है, मेरी जिंदगी बुझने वाली है। क्या हुआ सर? मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटा दिया? मैं अपने गेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहा था, यहाँ आकर परिक्रमा करूंगा तो प्रमोशन होगा, ऐसा सीनू ने बोला था। कौन सीनू? हमारे सीनू ने आपको बुलाया? तुम्हारा क्या सीनू हो या किसी और का, मेरे लिए तो शनि बन गया वो, उसे ढूंढ कर लाओ, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे सुनिए तो। सीनू तू पागल हो गया है क्या? तूने क्या बोला था और क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? तूने बोला था प्रमोशन होगा, मेरा तो डिमोशन हो गया, गया मेरा मंत्री पद। अच्छा ही हुआ। पागल हो गया है क्या? जनता की सेवा करने के बजाय मंदिर मंदिर घूमोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। तुम आओगे तो इस गांव का रोड बन जाएगा, इसलिए तुम्हें बुलाया था। तुम मंत्री हो, तुमसे मुझे कोई फायदा होगा ये सोच के नहीं बुलाया था। मतलब तुमने मुझसे गांव के रोड के लिए झूठ बोला था? हाँ झूठ बोला था, अपने गांव के भले के लिए। इन लोगों का कुछ भला होगा ये सोचकर इन लोगों ने तुम्हें वोट देकर जिताया था,
लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें पद दिया जाता है जनता की सेवा के लिए, मंदिर मंदिर घूमने के लिए नहीं। अब तो बदल जाओ, जाकर जनता की कुछ सेवा करो। सेवा करने के लिए कुर्सी चाहिए। तुम्हारे मंत्री पद को कुछ नहीं हुआ है? वो फोन मैंने ही करवाया था। तुम सच बोल रहे हो सीनू? मंत्री जी अपना मोबाइल चेक करो, उसमें लोकल नंबर मिलेगा। हाँ, लोकल नंबर ही है। ये पार्टी ऑफिस से आया है। हेलो। हेलो, मुझे पद से हटा दिया क्या? नहीं जी, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ जी। मुझे? हाँ, आपको ही। मैं अभी आया। थैंक यू सुनू, तुम्हारा कहा सच हो गया। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो मैं। मुझे नहीं। हाँ, जनता को जनता लोग, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे याद कीजिए। मैं नहीं मिलूं तो सीनू को बता दीजिए, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। नहीं हुई तो चप्पल से मारिएगा। ए, रास्ते से हटो। गोशी, चलो जल्दी चलो। हाँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन गया हूं। अरे वाह सीनू, तुम तो बहुत अच्छे निकले, बहुत तरक्की करोगे। सीनू, सच में तुमने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ सीनू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इतने दिनों से जो सरपंच नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छा किया सीनू। थैंक्स सीता। किस लिए? मुझे गांव वाले हमेशा डांटते रहते हैं और आज मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा काम करो कहना आसान है, पर उसे करना बहुत मुश्किल है। और तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए उनकी आंखों में खुशी दिख रही है। हाँ सीता। सीनू, हाँ, बहुत तरक्की करोगे। ये लोग इतने प्यार से मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल भर आया है। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो गांव वालों का बहुत प्यार मिलेगा तुम्हें, और वो तुम्हें सरपंच भी बना देंगे। और फिर मेरा प्यार? वो भी पक्का मिलेगा। ए, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे बाप रे, सीनू सब कुछ हो गया। उधर जा। अरे रे सीनू, मेरा बच्चा है ना। मैं देखता हूँ, आप जाइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो गया? कितना अन्याय हुआ, कितने परिवार हैं यहाँ? 30 परिवार हैं मालिक। ठीक है, हर परिवार वाले को 200 रुपया मिलेगा। अपनी झोपड़ियाँ बनाओ। रुको, ऐसा हमेशा होता रहेगा और आप लोग पैसे लेते रहेंगे। आप लोग 2 दिन खुशी से रह सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या कभी नहीं मिटेगी। इन लोगों को अभी पैसा नहीं चाहिए, पक्के घर चाहिए। पक्के घर? हाँ, बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर ये मेरे हाथों में नहीं है। ये ऑफिसर का काम है, गवर्नमेंट का काम है। 25 सालों से सरपंच के पद पर हो, फिर ये काम क्यों नहीं करवा सकते? ए, तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कैसे जवाब निकलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या ये छोटा बड़ा देखे बिना जो मन में बका जा रहा है? तू ही क्यों नहीं बनवा देता है इनके लिए पक्के घर? मैं लिंगराज बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। लोगों को लेकर सीनू तुम्हारे पास आ रहा है पक्के घर बनवाने के लिए। पक्का घर? वो तो कब का सैंक्शन कर दिया है सर। वो पैसे आप? वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया ना। हाँ, मिल गया। बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें क्या करना है मैं नहीं जानता, बस सभी गांव वालों के सामने वो सीनू बेवकूफ बनना चाहिए। वो सब मैं देख लूंगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी दरखास्त मिल गई मुझे, मैं सोच कर बताता हूँ। आप सोचेंगे तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे सर, आपके घर में? तो उसके लिए मैं क्या करूँ? इन सबको पक्के घर बनवा कर देना है। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा? इलेक्शन टाइम में कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन 2 दिन पहले हमारे गांव में रोड बनवाया, तो फिर वो कैसे हुआ? है, वो मिनिस्टर के आने के लिए बनवाया गया है। ओह, मिनिस्टर साहब के लिए तुम ऑफिसर्स लोग कभी भी कुछ भी सैंक्शन करोगे? हाँ, लेकिन आम जनता को अगर कुछ चाहिए तो चुनाव के नियम बीच में आते हैं। एक बात बताओ, चुनाव जनता के लिए है या नेता के लिए? मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके बारे में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कलेक्टर के साथ एक मीटिंग है, तुम्हें यहाँ से जल्द जगह खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो अपना पावर दिखाना पड़ेगा मुझे। तुम अपना पावर दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कम ऑन वॉटर चार्ज। अरे क्या कर रहे हैं?
नमस्ते सर। क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये गांव वाले हैं और बेकार में यहाँ लड़ रहे हैं। ये लोग बेकार में क्यों लड़ रहे हैं? सर रात में लिंगराज के लोगों ने गांव में आग लगा दी थी, इन लोगों की झोपड़ियाँ जल गई हैं। अब ये लोग पक्के घर के लिए धरना दे रहे हैं। लिंगराज गांव में पक्के घर नहीं है। सर और वो कौन है? सर वो एक आवारा लड़का है। अगर वो आवारा है तो उसके पीछे इतने लोग क्यों हैं? सर वो सीनू है और यहाँ लिंगराज के खिलाफ सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं आकर बताता हूँ तुम्हें। सर नमस्कार सर। लिंगराज पल्लम गांव में गवर्नमेंट ने पक्का घर बनाने के लिए 4 साल पहले ही पैसे सेंक्शन कर दिए थे, अभी तक क्यों नहीं बने? सर वो क्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने किसको कितना दिया, कितना दबाया है मुझे नहीं पता। कल सुबह से यहाँ पक्के घर का काम शुरू हो जाना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? सीनू। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, तुम बड़े नेता बनोगे। आप सबका पक्का घर सेंक्शन कर दिया है, कल से वहाँ काम शुरू हो जाएगा। सीनू भैया, सीनू भैया, सीनू भैया, सीनू भैया। हमारा सीनू मामूली आदमी नहीं है। सीनू जी, सीनू जी, सीनू जी, ये सब क्या चल रहा है? आपको तो पता है ना टीचर जी, कल रात सारी झोपड़ियाँ जल गई थी, अब अपने सीनू के कारण वहाँ पक्का घर बन जाएगा। सीनू जी, सीनू जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स सीता, बहुत अच्छा काम किया है तुम्हारे। इस काम की वजह से पूरा गांव जिंदगी भर खुशी से रहेगा। सीनू, उस दिन मैंने कहा था कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, पर अब मुझे पक्का यकीन है तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप तो कहते हो कि जनता आपके साथ है। सीनू के साथ है, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। उस दिन आपने तो हमसे कहा था कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं होने वाला और हमने काम शुरू कर दिया। हमारा बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है, अगर आप चुनाव में नहीं जीते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? मैं नहीं जीतूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव का सरपंच मैं ही हूँ। आप बेवजह चिंता मत कीजिए, किसको क्या करना है और इस इलेक्शन को कैसे जीतना है ये मैं जानता हूँ। आप लोग जाइए। अरे ओ सुनो चला। हाँ मालिक। ये निकम्मा नाकारा सीनू जो है इस प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा क्यों हो रहा है? सीनू, सीनू, अरे सीनू, अरे सीनू, अरे ये कहाँ चला गया? अरे सीनू, अरे मामा, सीनू, क्या हुआ मामा? अरे तू यहाँ पर है, उधर। आने वाले माघ महीने के दिन बुधवार को अत्यंत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है, अतः इस दिन लिंगराज पल्लम गांव के निवासी आकाश लिंग राजा के एकमात्र पुत्र चिरंजीवी राजेश के साथ सूर्य राव की एकमात्र पुत्री चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती सीता के साथ विवाह निश्चित किया गया है। सभी वरिष्ठ लोगों के समक्ष आशीर्वाद प्रदान करें। क्यों सरपंच जी यहीं क्यों रुक गए? अंदर आइए ना, गांव के सारे सम्मानित लोग आए हैं यहाँ। सिर्फ आप ही नहीं आए थे तो मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे बाद अब आप ही इस गांव के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति बनने वाले हैं, यानी सरपंच बनेंगे। जिससे प्यार करते हैं वो लड़की आपसे दूर होने वाली, इसका बहुत दुख हो रहा है। हर किसी की एक न एक वीकनेस होती है, मुझे पद की है, तुम्हें प्यार की है, सीता को उसके पिता, उसके पिता को दारू, और वो मैंने उसे दे दिया। रोड बनवाने या घर बनवाने से ही राजनीति नहीं हो जाती, इसे कहते हैं राजनीति। इलेक्शन तो हर 5 साल में आता है, लेकिन प्यार और शादी जिंदगी में एक ही बार आते हैं। जिसके लिए तुम इस इलेक्शन को लड़ रहे हो उसी को मैंने तुमसे दूर कर दिया। तो अब बताओ तुम जीते हो या मैं जीत गया? क्या हुआ सीनू, आशीर्वाद दिए बिना ही जा रहे हो? हे सूर्या, सीनू से 4 अक्षर तो डलवा दो। क्या सीनू, तुम्हें भी बाहर वालों के जैसे बुलाना पड़ेगा क्या? आकर अक्षर डाल के जाओ ना। सॉरी सीनू, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, अच्छा हुआ तुम आ गए।
क्या है, कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, चलो प्रचार के लिए चलते हैं। अब क्या फायदा ये प्रचार और इलेक्शन का? क्यों यार, अब क्या हुआ? अब क्या फायदा चुनाव का, जिसके लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है वो तुझे नहीं मिलने वाली सीनू। ए, दुनिया में बहुत लोग प्यार करते हैं यार, लेकिन सभी को तो प्यार नहीं मिलता ना। यूं समझ लो कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं, मेरे नसीब में प्यार नहीं है, तो अब क्या करें। सीता मेरे लिए वैसी जैसे चंदा मामा, और सचाना मेरी गलती थी। सीनू, सीनू। ए, मुझे सीता नहीं मिले इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन उससे इस गांव के लिए जो वादा किया था वो ज्यादा जरूरी है। ये क्या कह रहे हो सीनू? ए, अब ज्यादा कुछ मत बोलो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सीनू के साथ जाता हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। यार देखा, आज तक हमने सीनू की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, इन सब की वजह वो कमीना सरपंच है। ओए लिंग राजा, आजा तू मुझसे आजा। अरे तू आदमी नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे तू ऐसे देख रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं तूने। सीनू हमारा दोस्त है, हमारा, उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, समझा? अगर वो सरपंच बन के सीता से शादी करना चाहता था तो तेरा क्या नुकसान होने वाला था? सीता का अगर पहले से पता होता कि सीनू से प्यार करता है ना, तो वो इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती। सरपंच तू बहुत बड़ा कमीना है। अरे सरपंच साहब, जिस सीनू ने कभी रोना नहीं सीखा उसे तुमने रुला दिया यार, रुला दिया। अगर सीता के ना मिलने के गम में सीनू ने अगर खुद का कुछ करने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिंगराज, नमस्ते लिंग राजा जी। नमस्ते लिंग राजा। नमस्ते ऑफिसर जी, बहुत दिनों के बाद इधर का रास्ता भूल गए। अरे नहीं नहीं लिंग राजा जी, रास्ता ढूंढते हुए आए। ऐसे घबरा क्यों रहे हैं, कोई लफड़ा हुआ क्या? हाँ सर, अभी हमको नहीं आपको ही तकलीफ होगी। गांव में आपके द्वारा खुदवाए गए कुएं चोर चुरा कर ले गए हैं, ऐसा आपके अपोजिशन पार्टी सीनू ने कलेक्टर साहब से कंप्लेन की है सर। कुआं कोई गहना है जो कोई चुरा कर ले जाएगा? कलेक्टर साहब अगले हफ्ते इस गाँव में इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं। आने दो, अपना क्या जाता है? आपका कुछ नहीं जाएगा, हमने कुएं खुदवाए थे ये रिपोर्ट भेजी थी और पैसे भी ले लिए। कल आकर कलेक्टर चेक करेगा कि कुएं नहीं है तो चीटिंग केस में आप जेल जाएंगे, सस्पेंड होकर हम लोग घर जाएंगे। चाहे जो भी हो जाए ये काम आपको करना है, कलेक्टर के आने से पहले इस गांव में कुआं बन जाना चाहिए, नहीं तो आप। नहीं तो क्या, ये जेल तो नहीं जाएंगे ना। मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं मालिक, जिसे आपको डराना था उसे तो आपने डराया नहीं, अब आपको जल्दी ही कुछ करना होगा मालिक। 30 सालों से हम गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, सीनू ने सबका दुख दूर कर दिया। अगर वो सरपंच हो जाएगा तो तकलीफ दूर हो जाएगी हमारी। कभी नहीं सोचा था कि सीनू सुधर जाएगा। सही कह रही हो, सीनू हमारी गली में पानी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ भी खुदवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप काम जारी रखो। ओके सर। क्यों बे अप्पे, इस सारे काम की देखभाल छोड़कर तेरा सरपंच आखिर कर कह रहा है? सीनू, उनको कुछ काम है। ठीक है, बोल उससे सारे कुएं 2 दिन के अंदर खुद जाने चाहिए। 2 दिन में बहुत मजदूर लगेंगे और ज्यादा पैसा भी लगेगा सीनू। लोगों को पैसा है ना निकालने के लिए, बोल उससे। ठीक है। हाँ।
नाप आप ले लिया तुमने, खुदाई जारी रखो। सीनू। अरे सीता तुम तुम स्कूल जा रही हो क्या? हाँ वही जा रही हूँ। तुम क्या गांव में कुआं खुदवा रहे हो? हाँ सीता, जो पैसा मिला है उसी से कुआं खुदवाया जा रहा है। गांव वालों को पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्हीं के पैसों से गांव में 10-12 कुएं खुदवा रहा हूँ। एक फ्रेंड के नाते तुम्हें देखती हूँ तो बहुत गर्व होता है तुम पर। इतने दिनों तक थोड़ा डाउट था कि तुम जीतोगे या नहीं, पर अब पूरा विश्वास हो गया है कि तुम 100% ही इलेक्शन जीतोगे और तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा। अच्छा, आजकल तुम हमेशा सिर्फ गांव वालों के बारे में ही सोचते रहते हो, उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कब करोगे? इलेक्शन में इतने बिजी हो गए कि इस लड़की के बारे में भूल गए? वो तुम्हें याद भी है या नहीं? अब भी मुझे नहीं बताओगे कि वो खुशनसीब लड़की कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? जरूर बताऊंगा सीता। ए जल्दी जल्दी काम करो, काम 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है भैया। सीता मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सीनू, ऑल द बेस्ट। इधर देखो, यहाँ निशान लगा, यहाँ पकड़ो। ठीक है ठीक है। मालिक ये लीजिए फोन। हेलो। हाँ लिंगराज जी बोल रहे हैं। हाँ लिंगराज बोल रहा हूँ, आप कौन है? सर मैं देवाला शाखा का ईओ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए क्या बात है? सर पिछले 10 साल से मंदिर के चढ़ावे के पैसे को आप सरकार के खजाने में जमा नहीं कर रहे, वो अब तक पूरे 50 लाख रुपए हो चुके हैं, अब आपको सारे पैसे भरने पड़ेंगे। मुझे कितना भरना है ये मुझे मत बता, तुझे कितना चाहिए ये बता। सॉरी सर, हमेशा की तरह इस बार आप मुझे मैनेज नहीं कर सकते। आपके अपोजिशन सिरू ने इस बात को मंत्री कचरा अप्पल नायडू के सामने रखी है, बात अभी बहुत आगे बढ़ गई है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पैसे नहीं जमा किए तो आपके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसी क्या बात हो गई मालिक, सीनू ने कुछ नया टेंशन तो नहीं दिया ना? हाँ दिया, तुरंत 50 लाख रुपए जमा करने होंगे, एंडोमेंट ऑफिसर ने फोन किया। क्या बात करें मालिक, लगता है ये सीनू आम इंसान नहीं है। 2 दिन पहले कुआ खोदने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करवाया और अभी 50 लाख का चूना लगने वाला है। अगर आप ऐसे ही चुपचाप रहोगे ना तो वो गांव वालों के सामने बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मालिक। करना तो होगा। अच्छा अब चलता हूँ। सीनू ठीक है? हा? रुकना तो, धूप से आए हो ना, छाछ पी लो। मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। ए सीनू इधर आना, आना। आ? क्या है? कल तुम सरपंच बनने वाले हो क्या? किसने बताया तुम्हें? स्कूल में हमने ये सुना था। तुम गांव के सब लोगों की तकलीफ दूर कर रहे हो, हमारी तकलीफ भी दूर करो। सीनू ये लोग जो मांग रहे हैं वो दे देना। क्या चाहिए? हम जो भी मांगेंगे तुम दोगे क्या सीनू? अरे तुम लोग बताओ तो क्या चाहिए? हमें स्कूल में खेलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए। ठीक है। राम बाबू से कहकर मिठाई उधार देने को कहो। अरे उधार क्यों, मुफ्त में ले लो। और रोज खेलने के लिए कंचे भी चाहिए। ओके। जब हम बोलेंगे तब स्कूल से छुट्टी मिलनी चाहिए। वो क्यों? कंचे खेलने के लिए। देखो सीनू, अगर हमारी मांगे पूरी करोगे तो हम भी बड़े होकर तुम्हें ही वोट देंगे और तब तक तुम ही हमारे सरपंच बने रहना। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? कम पढ़े लिखे से अच्छा है कि ज्यादा पढ़े लिखे को सरपंच बना लो, गांव का भला होगा। जाओ जाके पढ़ो। अरे ये क्या बात हुई? सीनू, अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की तो काट के फेंक दूंगा। ध्यान से सुन लो, कोई इसे वोट नहीं देगा, अगर किसी ने इसकी मदद की तो उसका भी यही हाल होगा। जब तक इस गांव में हमारे मालिक जिंदा है वही इसी गांव के सरपंच बने रहेंगे, अगर उनके खिलाफ किसी ने खड़े होने की कोशिश की तो उसका हाल भी इसी की तरह हो जाएगा। अगर हमारे मालिक इस बार इलेक्शन नहीं जीते तो सारे गांव को हम लोग शमशान बना देंगे। कल जब तुम मरोगे तो एक भी आदमी नहीं आएगा। कहाँ जा रहे हो दादा? सीनू के पास। अरे क्यों जा रहे हो, उसे मरने दो। मरने देने के लिए कह रहे हो? अरे वो हमारे लिए मर रहा है, गांव के लिए मर रहा है। इतने दिनों बाद सरपंच का सामना करने के लिए एक मर्द पैदा हुआ है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अरे गंगा कहाँ जा रही हो? सीनू को बचाने के लिए। अरे वहाँ मरने जा रही हो क्या? जैसे डरपोक के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीनू को बचा कर रहूंगा। सीनू क्या हुआ? पता नहीं किसने मारा। मेरा बेटा, देखिए ना मेरे बेटे को, मैं
सीनू। अरे सीनू, मैंने तुझसे कहा था ना, ये इलेक्शन विलेक्शन हमें नहीं चाहिए। अब देखना क्या हो गया, ये सब छोड़ दे बेटा। भगवान की दया से तुम आज तो बच गए सीनू। हमें नहीं चाहिए ये चुनाव, ये राजनीति, ये सब हमें नहीं चाहिए। छोड़ दे ये सब बेटा। चाचा जी, आपको आपको याद है ना, एक दिन शर्त जीतने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था। उस दिन आपने कहा था ना कि अगर मैं सच में मर गया तो मुझे उठाने के लिए चार आदमी भी नहीं आएंगे। देखिए आज पूरा गांव आ गया। ये क्यों हुआ चाचा? लोग क्यों चाहते कि मैं ना मरूं? पर ये सब क्यों चाचा? सिर्फ मेरे किए हुए एक दो अच्छे कामों की वजह से? हाँ सीनू, तूने बिल्कुल सही कहा। इतना सब होने के बाद वो सरपंच चुप नहीं रहेगा। तुम तो दरअसल सरपंच इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि तुम सीता से प्यार करते हो ना। अब अगर वो सीता ही तुम्हें नहीं मिल रही है तो फिर मुकाबला करने का क्या फायदा है? अभी अगर तू सरपंच बन जाएगा तो सीता तेरे पास आ जाएगी क्या? ए, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा था सिर्फ सीता के प्यार को पाने के लिए। मैं मानता हूँ सीता तो मुझे नहीं मिली, लेकिन पूरे गांव वालों का प्यार तो मुझे मिला है, वो सिर्फ सीता की वजह से। सारे गांव वाले मुझे डांटते थे, लेकिन अब सीता की वजह से सब तारीफ करते हैं। मैं आवारा हूं की तरह घूमता था, सीता ने मुझे जिम्मेदारी समझाई। और पता है वो सीता क्या चाहती है? मैं इस गांव का भला करूं। मेरी वजह से इस गांव का भला होना चाहिए। सीता के लिए, इस गांव के लिए अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मंजूर है। तू पागल है क्या? उसके लिए मरना चाहता है तू? अरे इतने सारे लोग तुझे समझा रहे हैं, फिर भी सीता का नाम जपे जा रहा है तू? मेरे भाई, तू यहाँ मौत से लड़ रहा है और वो वहाँ मंगनी करके अपना घर संसार बसाने जा रही है। बेवकूफ जैसी बात मत कर। सीता मेरे प्यार को जानती है क्या? नहीं ना। उसके दिल को जाने बगैर उससे प्यार करना मेरी गलती थी। मेरी ये गलती थी कि मैंने अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने की सोची थी। अब उसकी मंगनी हो चुकी है, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये अच्छा ही है कि सीता नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करता हूं। अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब उसकी नजर में मैं उसका दोस्त बनकर ही रहूंगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अपने प्यार को जीतने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और फिर मेरा प्यार तुम्हें पक्का मिलेगा। अब भी नहीं बताओगे कि वो खुश नसीब लड़की कौन है जिसे तुम प्यार करते हो? जरूर बताऊंगा सीता। ए! सीता, मैंने तुझे सीनू के प्यार के बारे में बताया था लेकिन तू नहीं मानी। अब मंगनी होने के बाद उसके बारे में सोचना गलत है बेटी। आपके लिए ये गलत होगा पर मेरे लिए बिल्कुल सही है। मेरे एक बार कहने पर सीनू ने इस पूरे गांव को बदल दिया। पापा, अगर मैंने अभी सीनू के बारे में नहीं सोचा तो आगे ही सोचने का मौका नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को भूल जाओ बेटी। मंगनी होने के बाद अगर शादी के दिन कुछ भी गड़बड़ हुई तो लिंगराज हमें जान से मार देगा। पिता होने के नाते यही कहूंगा कि अभी तुम्हें अपनी जिंदगी और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पापा, अभी तुम कुछ मत बोलो बेटी। इलेक्शन के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में तुम दूसरे गांव में जा रही हो ना? तुम पहले उसके बारे में सोचो, बाकी बात बाद में। सुबह पहली बस कितने बजे की है पापा? मुझे वोट देने की जगह अगर तुम लोगों ने उस सीनू को वोट दिया तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे घर के कागजात सब मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। शांत हो जाओ। आज ही इलेक्शन है, निशान याद है ना सबको? तो ठीक है, जाकर डालो। देख लिया, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ बाकी है। सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। ठीक है ठीक है, अंदर भेजिए। हम्म,
हाँ। सर वहाँ पोलिंग हो रहा है, आप यहाँ बिना टेंशन के बैठे हैं। टेंशन क्यों लूं मैं, सब लोग अपने हैं, सारा वोट अपना है। तो फिर सीनो के लोग, उन्हें संभाल कर रखा है। आप मामूली इंसान नहीं है सर, आप तो महान हैं। अरे तुमने मालिक को ऐसा वैसा समझा क्या? मालिक आप अपना वोट किसको दोगे? अपना वोट तो मैं सीनू को ही दूंगा, उस दिन कहा था ना। ये लोग ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे, जरा खोलो दरवाजा। सब पीछे हो जाओ वरना काट के फेंकूंगा। कितने लोगों को मारेगा? मार। यहाँ हमारे लिंगराज मालिक जो बोलते हैं उनके हिसाब से ही कानून बनता है, उनके खिलाफ जाने की किसकी हिम्मत है? ये अपना सीनो आ गया, चलो चलो चलो। इतने दिन तक उस सरपंच ने जो भी किया वो देखकर मैं खामोश रहा, ये सोचकर नहीं कि हमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि मेरी वजह से इस गांव में झगड़ा ना हो। लेकिन अगर मेरी वजह से बेगुनाह लोगों का कुछ हुआ तो सामने जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। आपका नाम? सीनू। उस तीनों को वोट दिया तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। मालिक पोलिंग खत्म होने में कितना समय है अभी? अभी 5 मिनट बाकी है। मतलब 5 मिनट के बाद मैं भी वार्ड मेंबर बन जाऊंगा। आइए प्रेसिडेंट जी, कहा था ना अपना वोट मैं आपको ही दूंगा, आइए। देख लीजिए आप पर ही मुहर लगाइए। सीनू, सीता गई और पद भी गया, कहां है तुम्हारे लोग? चलो अरे टाइम हो रहा है वोट डालना है। हाँ, सही बोला। क्यों डर रहे हो क्या? हमारे लोगों को बंद करके वोट डालने से रोका, अब रोक के दिखाओ। मैं क्यों रुकवाऊंगा भला? ऑफिसर रुकवाएगा। एक मिनट रुको,
ऑफिसर जी, वोट डालने का टाइम खत्म हो गया ना? जी सर, टाइम हो गया है। अब एक भी वोट डालने का समय नहीं बचा है। सुन लिया? समझ गया? ये क्या ऑफिसर जी, टाइम खत्म होने के बाद भी लोग वोट डालना चाहे तो डाल सकते हैं ना? बोलिए ऑफिसर जी, सच बोलिए। सर, ये लोग सही बोल रहे हैं सर। ए, चुप रहो, तुम अपने बड़े ऑफिसर से भी ज्यादा जानते हो। फिर गलती कर रहे हो। तुमने इतनी गलतियां की, हम क्यों खामोश बैठे थे पता है? क्योंकि तुम हारोगे ये मैं जानता था। आ जाओ वोट डालने। देखिए सत्यमूर्ति जी, ये सारे लोग अब वोट डाल रहे हैं तो हमारा सीनू जीत जाएगा ना? अरे ऐसा कैसे कह सकते हो, लिंगराज सुबह से यहीं पर बैठा हुआ है। उसने कुछ गड़बड़ किया है या नहीं ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। छांटना शुरू करो। ओके सर। हे भगवान, मेरे परमेश्वर, पहला वोट हमारे चीरू के नाम का ही हो। इनवैलिड वोट। दोनों ही पार्टियों को 385 वोट्स मिले हैं, मतलब चुनाव टाई हुआ है। और ऐसे में एज पर द रूल्स टॉस में जो भी जीतेगा वही फैसला सही माना जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? आपके नियम में जो है वही कीजिए। और आपका क्या कहना है? जैसा आप कहें। आपको जो चाहिए वो चुन लीजिए। मुझे चित्त चाहिए। सर, पोस्टल बैलेट आया है। ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? सरकारी नौकरी वाले इलेक्शन ड्यूटी में बाहर गांव जाते हैं ना, वो लोग गांव में नहीं रहते हैं इसलिए पोस्ट से अपना वोट भेजते हैं। ऑफिसर जी, ये पोस्टल बैलेट किसने भेजा है? सीता, आपके गांव की स्कूल टीचर। वोट आप ही को दिया होगा। फूल के निशान पर वोट दिया है। लिंगराज पल्लम गांव में सरपंच पद के लिए जो चुनाव हुआ उसमें मिस्टर सिनू आकाश लिंगराजा से एक वोट से जीत चुके हैं। हे!
सीताराम। अब तो बोल दो पापा, जल्दी बोलिए ना पापा। तब से लेकर आज तक रोज आप मार खा रहे हैं, पर वो बात अब तक नहीं कही। आप बताएंगे या नहीं मेरे सरपंच पति? I love you।